हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल पहाड़ी ब्रदर्स। बस 5 मिनट में आए भाई लेटेस्ट अपडेट के साथ फुटबॉल से रिलेटेड। आज क्वार्टर फाइनल्स का मैच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेंगलुरु एफसी वर्सेस आर्मी ग्रीन। बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ, 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ मेरे भाइयों, 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखिए रेफरी रेफरी आ चुके हैं फील्ड में और दोनों ही टीमों ने जगह बना ली है। ब्लू और वाइट आज की ड्रेस रहेगी, ब्लू एंड वाइट। मैं बता देता हूँ कौन सी ड्रेस किसकी है, तब तक बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स की तरफ। पहाड़ी ब्रदर्स को प्लीज सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके। आपके सामने हम पूरा फुटबॉल की लाइव स्ट्रीमिंग ला रहे हैं, बेंगलुरु वर्सेज आर्मी ग्रीन आज का मैच है, जल्दी से शुरू होगा। रेफरी अभी पोल की लंबाई वगैरह देख रहे हैं भाई, एक बार जज कर रहे हैं, पोल हिल तो नहीं रहा, कहीं शूट मारे पोल गिर जाए, पहले ही अफवाह उड़ जाएगी कि फुटबॉल में कुछ ज़्यादा ही खलबली मच चुकी है। तो रेफरी एक बार पोल्स को चेक करते हुए, दोनों ही टीम आ चुकी है ग्राउंड के अंदर, सर्कल के अंदर खड़ी हैं, अपने अपने सर्कल बना के खड़ी हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोनों ही टीम मेम्बर्स। गोलकीपर ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी है, मैं बता दूँ पिंक कलर की ड्रेस, और ब्लू वाली टीम के जो कीपर उन्होंने येलो कलर की ड्रेस पहनी है। बहुत ही प्यारा गेम चलता हुआ शुरू होने वाला है मेरे भाइयों। गुजर भाई क्या है, नीलेश पोल भाई मेरे साथ कैसे हो? राजशेखर दत्ता जी जरूर बनाएंगे जब एवेंजर्स की जरूरत होगी तो जरूर बनाएंगे मेरे राकेश भाई, सबको एवेंजर बनाएंगे, तब तक सबर रखें। पहाड़ी ब्रदर्स आपको नहीं भूले, राजशेखर दत्ता जी बिमला चौधरी जी, क्रिकेट शॉट्स हमारे साथ जुड़ते हुए, क्या बात है क्रिकेट भाई, आज फुटबॉल देखने आए हो, अच्छा लगा मेरे भाई, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी मजा आ जाएगा। मैच शुरू हो चुका है दोनों ही कीपर अपनी जगह, और ये देखिए पहले ही मैच में काउंटर बनते हुए आर्मी ग्रीन है आज ग्रीन एंड व्हाइट कलर की ड्रेस में, मतलब मोस्टली वाइट है और जो शॉर्ट्स हैं वो ग्रीन है, और बेंगलुरु एफसी है ब्लू कलर में, बी से बेंगलुरु और बी से ब्लू। तो देख लीजिए आज का मैच बहुत ही प्यारा होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे बेंगलुरु का बना है काउंटर, सारे प्लेयर डी के अंदर, नौशाद मूसा बेंगलुरु एफसी के कोच है, नौशाद मूसा नाम याद रखना, मूसा भाई। ठीक है भाई पीयूष नेगी जी, पूरी कोशिश करेंगे सानिया मिर्जा का मैच दिखाने की, तब तक बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ। सेम स्क्रीन पे लगा दूंगा। अब आप आराम से देखिए मैच को,
पीयूष ने कि भाई सुन ली मैंने आपकी बात, मैच बहुत ही रोमांचक चलता हुआ भाई, बहुत ही प्यारा मैच, डी के अंदर सारे प्लेयर्स। कॉर्नर बना है, कॉर्नर बेंगलुरु कॉर्नर लेने वाला है, बहुत ही प्यारा पास कॉर्नर में, क्लियर कर दी बॉल, क्लियर कर दी। बेंगलुरु का अटैक स्टार्टिंग से ही बन चुका है, बहुत प्यारी पासिंग चल रही है। ये आर्मी ग्रीन आगे बढ़ते हुए, काउंटर बनने वाला था बट रोक दिया। आर्मी ग्रीन के पास बॉल, काउंटर बनाने की पूरी कोशिश, पूरी कोशिश हो रही है काउंटर बनाने की। भाई साहब क्लियर, और यहाँ काउंटर बनते हुए दिख रहा है मुझे, देखते हैं क्या करते हैं। आर्मी ग्रीन बॉल हमारे हाथ, बॉल आर्मी ग्रीन के प्लेयर के पास और स्ट्राइकर के पास आ चुकी है, और डी के वो बहुत करीब है। एक 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 डिफेंडर और एक स्ट्राइकर, देखते हैं कौन किसके पास बॉल आती है। तो बॉल निकल चुकी है, बेंगलुरु एफसी के पास है बॉल, आर्मी ग्रीन के हाथों से पैरों से बॉल जा चुकी है। फाउल, फाउल किया बेंगलुरु के प्लेयर ने, खींच के नीचे गिरा दिया 17 नंबर के प्लेयर, आर्मी ग्रीन के प्लेयर को। क्रिकेट फैन आरसीबी, आई मीन बेंगलुरु। अच्छा क्रिकेट फैन भी हैं यहाँ पे, क्या बात है, बेंगलुरु को सपोर्ट करते हुए, क्या बात है। आर्मी ग्रीन के फैंस बताइए, क्या आर्मी ग्रीन के आज कोई फैन ही नहीं है क्या? कल का मैच गोवा 5-1 से जीती है मेरे भाई, और दिल्ली को हराया है 5-1 से, क्या बात है। गोवा ने तो भाई दिल जीत लिया सबका। फुटबॉल फैंस जितने भी हैं गोवा से बहुत प्रभावित हुए होंगे उसके गेम से रिलेटेड। रॉक गुजर कह रहे हैं सॉरी नरेश भाई, पर मुझे गुस्सा आता है जब कोई एक बात को रिपीट करता है। रॉक गुजर जी क्या बात हो गई ऐसी, गुस्सा ना करें भाई, खेल में गुस्सा, आप एक खिलाड़ी हैं और गेम में अगर आप गुस्सा करेंगे तो भाई गेम पलट जाता है गुस्सा करने से, इसलिए माइंड को शांत रखें। नेहा राणा जी कहते हुए कि आज आर्मी ग्रीन भी जीत सकती है, क्या बात है। हिमांशु सिंह हमारे साथ नए भाई जुड़ते हुए, उन्हें बता दूं अगर आप आर्मी ग्रीन को सपोर्ट करते हैं तो एक बार पहाड़ी ब्रदर्स को भी सपोर्ट कीजिए भाई, फुटबॉल हम लोग काफी शुरुआत से दिखा रहे हैं। पीयूष नेगी भाई मॉड, भाई मॉड एक साथ बनाएंगे, आपने वादा किया था मेरे भाई, आप ही ने वादा किया था कि भाई नेगेटिविटी को हम स्पैम करके हटाएंगे। पीयूष नेगी जी वादा ना भूलें, जरूर बनाऊंगा यार, जरूर बनाऊंगा, हाफ टाइम के बाद बनाता हूँ। जैसे ही व्यूज पहुंचेंगे 100 से ऊपर, सारे एवेंजर्स को उनकी शक्तियाँ मिल जाएंगी मेरे भाई, सारे एवेंजर्स को शक्तियाँ मिल जाएंगी जैसे ही व्यूज पार होंगे 100 से ज़्यादा। मैच के बारे में बात करें तो बहुत ही प्यारा गेम चलता हुआ, बेंगलुरु एफसी पे धावा बोलती हुई आर्मी ग्रीन, लेट्स सी क्या होता है मेरे भाइयों। आज का मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला है, आज का मैच कोई मामूली मैच नहीं है, क्वार्टर फाइनल्स का मैच है। अगर ये मैच जीतती है दोनों में से कोई भी टीम तो सीधा जाएगी सेमीफाइनल्स में, जिसका इंतजार कर रही है बेंगलुरु यूनाइटेड, मोहम्मद एनएससी और गोवा एफसी। तो तैयार रहिए, मैच बहुत ही रोमांचक होता हुआ, बेंगलुरु अटैक पे आ चुकी है, पर ये शायद ऑफसाइड दिया गया, ऑफसाइड नहीं था, पर जो आपका कीपर था कीपर पे पैर पे लग गई और डिफ्लेक्ट हो गया। बेंगलुरु के कीपर ने गोल सेव कर लिया, 1-on-1 मौका मिल गया था आर्मी ग्रीन को। भाई देखो बहुत ही प्यारा मैच, बेंगलुरु एफसी फिर से काउंटर बनाते हुए, आर्मी ग्रीन अब बॉल लेकर आगे बढ़ती जा रही है, अब आर्मी ग्रीन काउंटर बना रही है, क्या बात है। गुज्जर भाई आपको क्या बताऊं, मुझे भी आता है लेकिन चुप चुप के बताने का, आप लोग हम क्या, हम इधर खाली बैठे आए हैं। नीलेश फुल भाई क्या कहना चाहते हो,
भाई गोवा का सेमी कब है, गोवा का सेमीफाइनल कब है भाई, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे मेरे भाई, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, थोड़ा सा वेट करो, मैं फिक्चर्स देख कर बताता हूँ टाइमिंग क्या है। बाकी एक शॉर्ट वीडियो से तो अपडेट देंगे ही आपको, एक दिन पहले या फिर उसी दिन मैं बता दूं, सेमीफाइनल का पहला मैच खेला जाएगा मोहम्मदीन वर्सेस बेंगलुरु यूनाइटेड, उसकी डेट 27 तारीख है, 27 तारीख 18 18 के हिसाब से आप लगा लीजिए कितना हुआ, 6 बजे मैच होगा मोहम्मदीन एससी वर्सेस बेंगलुरु यूनाइटेड। तब तक बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ। अभी के मैच में देखिए डी के अंदर आर्मी ग्रीन गिर चुका है, देखते हैं क्या पेनल्टी मिलेगी, बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ, बहुत ही रोमांचक मैच। क्या आज बेंगलुरु एफसी को पेनल्टी देनी पड़ेगी, आर्मी ग्रीन के प्लेयर डी के अंदर गिर गए और चोट आई है शायद, तो ये लीजिए आर्मी ग्रीन को मिल चुके हैं पेनल्टी, रेफरी का डिसीजन मिल चुकी है पेनल्टी आर्मी ग्रीन को। भाई साहब यहाँ पेनल्टी होने वाली है, आर्मी ग्रीन पेनल्टी दे रहा है, क्या आज ये पेनल्टी स्कोर हो पाएगी, भाई आर्मी ग्रीन को मिल चुकी है पेनल्टी। फुटबॉल चल रहा है मेरे भाइयों, दुरंत कप दुरंत कप दुरंत कप चल रहा है, टाइटल पढ़िए मेरे भाई टाइटल पढ़िए, दुरंत कप का क्वार्टर फाइनल बेंगलुरु एफसी वर्सेस आर्मी ग्रीन, गेम की बात करें तो मिनी फुटबॉल देख रहे हो आप, बहुत ही रोमांचक गेम होने वाला है। कीपर बेंगलुरु एफसी के कीपर और आर्मी ग्रीन के स्ट्राइकर आ चुके हैं पोजीशन पे, एक विसल बजेगी और मिल जाएगी पेनल्टी, बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ और आपको बता दें गोल होता है कि नहीं, क्या इसे सेव किया जाएगा या फिर गोल नहीं हो पाएगा, बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ। थोड़ा सबर करें मेरे भाइयों, थोड़ा सबर करें और यहाँ देखिए स्कोर क्या हो गया है, 1-0 आर्मी ग्रीन ने गोल मार दिया, पेनल्टी मार दी मेरे प्यारे दोस्तों। प्रदीप अंधेरे भाई ओके, अमन है क्या, कैसे हो मेरे भाइयों, आर्मी ग्रीन 1-1 से जीत रही है मेरे भाई, पेनल्टी कन्वर्ट कर दी, बहुत ही शानदार टॉप राइट कॉर्नर पे दाग दिया गोल, जो कि एक कीपर के लिए बहुत ही हार्ड होता है उस गोल को रोकना, टॉप राइट कॉर्नर पे मार के जीत चुका है आपका आर्मी ग्रीन, मतलब फर्स्ट हाफ तो मेरे हिसाब से, बाकी अभी देखते हैं बेंगलुरु बेंगलुरु एफसी कितने गुस्से में खेलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ी कोई गलती नहीं थी, पीछे से हल्का सा पैर लगा था पर दिया गया, फिर भी पेनल्टी दी गई क्योंकि डी के अंदर रिस्क नहीं लेते, पेनल्टी के अंदर गोल मार दिया आर्मी ग्रीन ने और अब देखते हैं एक और काउंटर बनाते हुए देखते हैं क्या होता है। आर्मी ग्रीन का एक बहुत प्यारा काउंटर बनते हुए बनते बनते रह गया, फिर से अभी वो बॉल को रोटेट कर रहे हैं, अपने सेंटर बैक में खिला रहे हैं, डिफेंडर्स के पास बॉल, स्ट्राइकर्स आते हुए बेंगलुरु के एकदम से, देखते हैं भाई गेम बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होता जा रहा है, थोड़ा समय दीजिए भाई आपको बताता हूँ किसने मारा है गोल, आपके सामने यहाँ पे गोल के प्लेयर का नाम भी दे रहा हूँ, थोड़ा सब्र रखिए। एग्जैक्ट नेम यार छोटे छोटे तो दिख नहीं रहे, मैं आपको बताता हूँ किसने मारा है गोल, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा, गुड क्वेश्चन, अभी बताता हूँ भाई फिर कौन है आर्चरी में वीडियो डालते हैं। प्रदीप अंधेरे भाई आर्चरी में हमारे विशाल भाई है, दोनों पहाड़ी ब्रदर्स है, अमन भाई और विशाल भाई दोनों का ही चैनल है पहाड़ी ब्रदर्स, तो आर्चरी की वीडियोस पसंद आ गई विशाल भाई इनको, प्रदीप भाई को आर्चरी की वीडियो पसंद आ गई, एक बार इनके लिए और भी आर्चरी की वीडियो बना देना मेरे दोस्त। तो 9 मिनट में पहला गोल मारा और पहला गोल किसने मारा ये भी आपको बताते हैं, तब तक बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ। लाइव कमेंट्री चल रही है मेरे दोस्त, लाइव कमेंट्री चल रही है दुरंत कप 2021 की, बेंगलुरु वर्सेस आर्मी ग्रीन, दोनों ही टीम आप अपने में ही बहुत खतरनाक हैं, ये मत सोचना कोई कमजोर है, अभी पेनल्टी मिल चुकी है, इसके बाद देखते हैं कौन सी टीम लीड पे रहती है। आपने बेंगलुरु वर्सेस आसाम राइफल देखा था और बेंगलुरु वर्सेस
बहुत इंडियन नेवी, सॉरी बेंगलुरु वर्सेस इंडियन नेवी, उसमें क्या हुआ था कि पहले दो गोल इंडियन नेवी मार दिए, इंडियन नेवी ने मारे, फिर चार गोल बेंगलुरु ने ताक दिए सेकंड हाफ में। तो कुछ भी हो सकता है भाई फुटबॉल में, कुछ भी हो सकता है। बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ। नाम सुन लीजिए आर्मी ग्रीन के प्लेयर का, लाला वो कीमा, लाला वो कीमा भाई, बहुत ही अजीबो गरीब नाम है, पर इस प्लेयर ने बहुत ही स्मूथली टॉप राइट कॉर्नर पे मार दिया गोल। लाला लाला वम कीमा, लाला वम कीमा, देखो नाम इतना प्यारा और काम देखो कितना भयंकर। गोल मार दिया मेरे दोस्त, गोल मार दिया पेनल्टी के अंदर। अब मैच की तरफ चलते हैं एक बार, क्या चल रहा है मैच के अंदर। यहाँ पे बेंगलुरु एफसी भागते हुए काउंटर देते हुए यहाँ पे आर्मी ग्रीन ने शोल्डर देके गिरा दिया, शोल्डर देके गिरा दिया, पर ये राइट होता है, कोई नहीं शोल्डर दे सकते हैं। अब दूसरा प्लेयर के शोल्डर कमज़ोर है तो वो गिर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मैं आपको ऑलरेडी बता दूँ, बच्चों का गेम नहीं है ये, बहुत ही बेहतरीन गेम है जिसमें आपको थोड़ा फिजिकली फिट होना ज़रूरी है, स्टैमिना का गेम है, बहुत ही स्टैमिना चाहिए इस गेम में। 90 मिनट तक कंटिन्यूस खेलना भाई किसी हर किसी के बस की बात नहीं होती, स्टैमिना स्किल्स प्रैक्टिस सब चाहिए इस गेम में। आर्मी ग्रीन के प्लेयर्स बहुत ही प्यारा गेम खेलते हुए, देखते हैं क्या होता है। बेंगलुरु एफसी कमबैक करेगा, बताइए मुझे क्या बेंगलुरु एफसी कमबैक करेगा। आर्मी गो ग्रीन, क्या बात है। हाँ भाई कोई जल रहा है हमारी टीम को गोल देखकर, क्या बात है। आर्मी के जितने प्यारे प्यारे सपोर्टर हैं टीम, सुन लीजिए आर्मी ग्रीन, हमारी आर्मी ग्रीन के जितने भी फैंस हैं वो लोग खुशियां मनाइए, क्योंकि एक एक जीरो से हम लोग जीत रहे हैं। बेंगलुरु एफसी एक गोल से, मतलब अभी एक गोल से पीछे हैं। बार बार एक बात को कोई रिपीट कर रहा है, कौन रिपीट कर रहा है बार बार एक बात को। नेहा राणा जी कह रही हैं आर्मी बिना प्रैक्टिस ही जीत सकती है। बिल्कुल नेहा राणा जी आप सही कह रही हैं, क्योंकि आर्मी की भाई आप लोग ट्रेनिंग देखोगे तो अपने आप में ही, अगर 4 बजे से लेकर उनका 10-10 किलोमीटर की रनिंग होती है रेगुलर, मतलब उनका कोई ये डेली का है। फुटबॉल के दिन तो एक दिन आपको रेस्ट भी मिलता है, पर आर्मी का जो शेड्यूल है वो सेट है। अगर आप बेस कैंप में हैं तो आपकी एक्सरसाइज सब कुछ आर्मी देखेगी। तो बेंगलुरु एफसी वर्सेस आर्मी ग्रीन का मैच है। रॉक गुजर, बिमला चौधरी जी, नेहा राणा जी हमारे साथ, ज्योतिर्लिंग किराना भाई हमारे साथ, प्यारे नीलेश पॉल भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कौन कौन है। जितने लोग नए नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ अपना नाम बताइए मेरे भाइयों, नाम बताइए, कमेंट सेक्शन में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैच की बात करें तो बेंगलुरु एफसी के पोजीशन में है अभी बॉल, देखते हैं क्या वो कन्वर्ट कर पाएंगे। चौदह मिनट के अंदर गेम चलता हुआ, आर्मी ग्रीन के पास बॉल, आर्मी ग्रीन बॉल बैक में ही रोटेट कर रही है, डिफेंस के प्लेयर्स खेलते हुए। 1-0 का स्कोर, बॉल पहुंच चुकी है बेंगलुरु के कीपर के पास सीधा। देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों गेम में क्या होने वाला है। बेंगलुरु के प्लेयर को गिराया गया, पीछे से धक्का दिया गया आर्मी ग्रीन के द्वारा और वो गिर गए। देखते हैं फ्री किक मिलेगी या नहीं। 40 प्लेयर नंबर काफी छोटे लग रहे हैं एज में बेंगलुरु एफसी के प्लेयर, पर लेट्स सी क्या होता है भाई। सेमीफाइनल वाली टीमों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे, मैं बता दूं सेमीफाइनल्स में कोई हारे या जीते पर 5-5 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर फाइनल वाली टीमों को भाई 40 लाख,
फाइनल में जो जीतेगा उसे 40 लाख रुपए हैं। दक्ष कुमार कह रहे हैं अपने भाई से पूछो मेरे साथ कब खेलेंगे RC20। जल्दी खेलेंगे दक्ष भाई, और मैं आशा करता हूं कि आप दोनों में से पहाड़ी ब्रदर्स ही जीते हैं। जल्दी खेलेंगे मेरे भाई, जल्दी खेलेंगे। भाई को भी आजकल उस गेम से बहुत प्यार हो गया है, तो जल्दी ही वो लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे इस गेम की और आपके साथ मुकाबला करेंगे। यहाँ पे बेंगलुरु के जो प्लेयर हैं, गोलकीपर उन्होंने शूट लिया है, बॉल आर्मी ग्रीन के पास पहुंची पर अब क्लियर कर दी आपके बेंगलुरु के डिफेंडर ने। फिर से अब बेंगलुरु का काउंटर बनता हुआ दिख रहा है, बहुत ही प्यारा काउंटर बनने वाला है मेरे भाइयों। अगर रोक ली बॉल तो रुक गई है बॉल, डिफेंस अंदर घुसते हुए बेंगलुरु FC के प्लेयर्स, और ये क्लियर कर दिया आपके आर्मी ग्रीन के डिफेंडर ने बहुत प्यार से। भाई यार ऐसा लग रहा है आर्मी ग्रीन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उनके डिफेंडर हिले तक नहीं, बॉल आई उन्होंने क्लियर कर दिया। आर्मी ग्रीन के अंदर से डर खत्म हो गया ऐसा लग रहा है एक गोल मार के, अब उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि इस बॉल को तो ऐसे ही एकदम ही उड़ा देंगे। भाई दिक्कत की कोई बात नहीं है। रॉक गुज्जर कह रहे हैं भाई किसी को लगता है हम उसे बोल रहे हैं। बिमला जी कहते हुए बेंगलुरु जीतेगा, देखते हैं बिमला जी आज कौन जीतेगा। आज मैं आपको बता दूं गेम में आर्मी ग्रीन का दबदबा ज्यादा है, क्या आज आपकी प्रेडिक्शन गलत होगी फुटबॉल को लेकर, देखते हैं आज हम कैसे जिता सकते हैं। बिमला जी आप लोग सपोर्ट कीजिए, देखो सपोर्ट के नाम पे सिर्फ 20 लोग आए हैं, ऐसे नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। फुटबॉल को सपोर्ट करने आए हैं तो मिनिमम 50 की व्यूज होने चाहिए मेरे भाई, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो भाई कैसे बढ़ेगा फुटबॉल, आगे कैसे बढ़ेगा मेरे दोस्तों। फैन अरे वो लगे ही नहीं हम लोग पहाड़ी ब्रदर फैन, अरे वो लगे ही है ना ब्रो, निकल जो तो हमारे प्यारे प्यारे भाई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिमला जी कहते हुए बेंगलुरु जीतेगा, तो यहाँ पे हमारे साथ 22 लोग जुड़े हैं। मैं आपको बता दूं मैच में क्या चल रहा है, थ्रो इन मिला है आर्मी ग्रीन को और बहुत ही रोमांचक मैच चलता हुआ। लीजिए बेंगलुरु FC ने एक गोल मार दिया मेरे भाइयों, बेंगलुरु FC ने गोल मार दिया। बिमला जी के चेहरे पे मुस्कुराहट, सारे सारे बेंगलुरु के फैंस जितने भी हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट बनते हुए, दोनों ही टीमों ने एक एक गोल कर दिया। मैं बताता हूँ कैसे गोल मारा भाई, लॉन्ग शूट लिया, ये फ्री किक मिली थी इन्हें और फ्री किक को डायरेक्ट गोल कर दिया, डायरेक्ट गोल कीपर के हाथ भी नहीं रोक पाए, हाथ से टच हो गया अंदर चली गई, बहुत ही एक सटीक एंगल से मारा गया ये गोल, बहुत ही प्यारा गोल बेंगलुरु FC ने मारा और गोल बराबर हो चुका है 1-1। स्कोरबोर्ड आपके सामने अपडेट हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ, स्कोर में अपडेट कर रहा हूँ मेरे भाई, अभी 1-1 हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। मेरे पास जो मैच आ रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, चिंता मत करिए। स्कोर 1-1 हो चुका है मेरे भाइयों, स्कोर कार्ड थोड़ा लेट अपडेट होगा। बेंगलुरु देखो भाई, बेंगलुरु बराबरी कर चुका है, स्कोर 1-1 होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी मैं अपडेट दे दूँ आपको। आज सानिया मिर्जा का मैच है, लगा देना पहाड़ी भाई, लगा देंगे मेरे भाई लगा देंगे। आर्मी ग्रीन का ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें दबा दे सकता है, देखते हैं अभी तो पूरा मैच पड़ा है। बिमला जी एक गोल पे आप डिसाइड नहीं कर सकती कि आज कौन जीतेगा, जब दगा दग 2-3 गोल हो जाए तब तब बात करेंगे।
अली मोर आर्चरी, क्या बात है, 8:30 बजे, 8 बजे कुछ मैच आर्चरी के दिखाई जाएंगे मेरे भाई पहाड़ी ब्रदर्स पे, आ जाना लाइव, आज हम सारे मैचेस दिखाएंगे। जय हिंद जय भारत। बेंगलुरु जीतेगा आईपीएल हो या फुटबॉल, क्या बात है। तो यहाँ पे बेंगलुरु फिर से आगे बढ़ता हुआ बहुत ही रफ्तार से, स्कोर अपडेट नहीं हो रहा है यार, क्या बात है, बहुत पीछे चल रहा है क्या स्कोर कार्ड इनका। गोल हो चुका है 1-1, मैं आपको बता दूं, पर स्कोर कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, मैं एक बार रिफ्रेश करके आता हूँ, क्या पता अपडेट हो जाए। कोई नहीं, थोड़ी देर में स्कोर अपडेट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे फाउल मिलता हुआ, आर्मी ग्रीन के पास बॉल, बॉल डिफेंस में रोटेट हो रही है, बॉल डिफेंस में रोटेट हो रही है, यहाँ पे भागते हुए आ रहे हैं बेंगलुरु एफसी के प्लेयर, और ये बहुत प्यारा फेंक दिया आपके डिफेंडर आर्मी ग्रीन के प्लेयर ने। अब फिर से बेंगलुरु तेज हो चुकी है, बहुत ही रोमांचक मैच चलता हुआ, फिर से काउंटर बनने की तैयारी हो रही है, बहुत प्यारा बहुत प्यारा, एक एक बहुत प्यारा एंगल बनते हुए दिख रहा है मुझे गोल का, एक शूट मारने का मौका नहीं मिल पाया, कोई नहीं, गेम फिर से खोल दिया, गेम बहुत ही रोमांचक, बहुत प्यारी पासिंग चल रही डी में बेंगलुरु एफसी द्वारा, और यहाँ देखिए आर्मी ग्रीन पे भारी पड़ने वाले हैं बेंगलुरु, ऐसा लग रहा है मेरे दोस्तों, क्योंकि डी के अंदर बहुत ज्यादा घुस चुके थे। अब देखते हैं क्या होता है, जितने भी फैंस हैं बेंगलुरु एफसी के वो खुश हो जाइए, इनके अंदर एक अलग ही उमंगे जाग रही है, अलग ही उमंगे जाग रही है बेंगलुरु एफसी। अली मोर कह रहे हैं फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे भाई फुटबॉल में इंटरेस्ट आ जाएगा अली मोर, तभी तो मेरे भाई, तभी तो फिर हम लोग क्यों कहते हैं कि फीफा में खेल नहीं रहे, खेल नहीं रहे, क्योंकि इंडियंस के अंदर क्रेज़ ही नहीं है फुटबॉल का, और हम एक कोशिश कर रहे हैं कि फुटबॉल का क्रेज़ भी जागे, ताकि हर एक बच्चा फुटबॉल के बारे में जान सके और खेले, ताकि हम लोग जीत सके। मोहम्मद सिन्हा पी भाई, लिंक किस चीज़ का चाहिए आपको, ओ भाई सॉरी, रॉक गुज्जर जी कह रहे हैं, ओ भाई सॉरी, आर्मी ग्रीन का फुल सपोर्ट करते हुए, और ये देखिए बहुत ही प्यारा गेम चलता हुआ, और ये गिर गए आर्मी ग्रीन के प्लेयर, गिर गए पर उन्हें सेव कर दिया, और इस बार भी गिरने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कोई टच नहीं किया बेंगलुरु के प्लेयर ने, पर वो गिर गए, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। चलो देखते हैं मेरे भाइयों, बहुत ही रोमांचक मैच, फिर से गेम शुरू होने वाला है। आर्मी ग्रीन के प्लेयर ने मारा शूट, जो गोलकीपर उन्होंने हाफ से पार कर दी बॉल, और ये देखिए हेड मार दिया आर्मी ग्रीन के प्लेयर के सर पे, हेड मार दिया और चोट लग गई है शायद, देखते हैं। खड़े हो चुके हैं आर्मी के प्लेयर खड़े हो चुके हैं, वो शायद बस ऐसे ही हल्का सा चोट लगी थी, उनने एक बार सर पे हाथ लगाया और वो चोट ठीक हो गई। आर्मी के हैं भाई, आर्मी के बंदे हैं, इतनी जल्दी थोड़ी ना गिर जाएंगे। ये देखिए एक फ्री किक मिलते हुए आर्मी के प्लेयर को, देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है ये फ्री किक, क्या आज ये फ्री किक आग लगा देगी, सीधा गोल तो नहीं, बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ। 21 लाइक हो गए पहाड़ी ब्रदर्स फैंस कह रहे हैं, क्या बात है, धन्यवाद मेरे भाई धन्यवाद। युवराज गुप्ता जी कैसे हैं आप, बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ, आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट खेला जाएगा, पहाड़ी ब्रदर्स आपको दिखा रहे हैं दुरंत कप क्वार्टर फाइनल्स, कोई हल्का फुल्का मैच नहीं, पहले ही बता दूं, जो चैनल पर नए हैं रिफ्रेश कर चुका हूँ, ये स्कोर कार्ड शायद थोड़ा पुराना चल रहा है, इसको स्कोर कार्ड को मैं क्या करूँ, यहाँ स्कोर कार्ड में कोई अपडेट ही नहीं है। थोड़ा सा सबर करें, स्कोर कार्ड अपडेट होगा। मैं भी स्कोर कार्ड अपडेट करके आया भाई, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है।
थोड़ा सब्र करें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। लीजिए, स्कोर कार्ड अपडेट हो चुका है। स्कोर कार्ड देखो कितना लेट अपडेट हुआ, पर आपके पास पहाड़ी ब्रदर्स ने बहुत पहले इन्फॉर्मेशन दे दी। मैच बहुत ही रोमांचक चलता हुआ, 1-1 का स्कोर। हाफ टाइम होने में अभी काफ़ी टाइम है, काफ़ी टाइम है। 45 मिनट में होता है, 45 मिनट में हाफ होता है। 17 मिनट कुछ बचे हैं, 17 मिनट कुछ बचे हैं मेरे भाइयों। बहुत ही प्यारा मैच, बहुत ही प्यारा मैच चलता हुआ फुटबॉल का। स्कोर कार्ड अपडेट हो चुका है मेरे प्यारे मित्रों, स्कोर कार्ड इज ऑलरेडी बीन अपडेटेड। टीम बनाओ, रिफ्रेश करो। आई एम टू गुड फॉर दी। ओके अर्चना सिंह, अर्चना सिंह जी कुछ कह रहे हैं, आर्मी खूब भालो अच्छी। क्या बात है, आर्मी ग्रीन के फैंस बढ़ते हुए। मैं एक बार पोल ही दे देता हूँ ताकि आप लोग बताएं कि कौन सी टीम आज जीतेगी, और मुझे पता चल जाएगा कौन कितने ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस टीमों को। तो गाइस यहाँ पे बहुत प्यारा 1-on-1 का मौका मिला था बेंगलुरु को, बट नहीं हो पाया कुछ फायदा। कीपर ने हाथ में बॉल पकड़ ली। बहुत प्यारा 1-on-1 का मौका मिला था, पर बॉल थोड़ी सी आगे गई और ये मौका उनके हाथ से छूट गया। थ्रो इन हुआ, बेंगलुरु एफसी के प्लेयर ने थ्रो इन लिया, और यहाँ देखिए हिसे भूटिया हमारे साथ। ब्रो कौन जीत पाएगा, आजा मैच, आज का मैच। मेरे हिसाब से पहले मुझे आर्मी ग्रीन बहुत ज़्यादा एक्टिव लग रही थी, बहुत ज़्यादा, पर जैसे ही 1 गोल हुआ उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल मोड पे आई, फिर उसके बाद बेंगलुरु एफसी ने पूरी आग लगा दी। और अभी मैं आपको गेम प्ले के हिसाब से बताऊं तो बेंगलुरु एफसी का दबदबा थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वो बैक टू बैक काउंटर दे रही है। आर्मी ग्रीन शायद अभी सेकेंड हाफ के लिए स्टेमिना बचा रही है, ताकि जैसी ओपनिंग हो तो दबा के एक गोल कर दें। तो लेट्स सी क्या होता है भाई। मेरे हिसाब से अभी 19-20 का मुकाबला है, दोनों ही टीम आपस में ही बहुत खतरनाक है। हिसे भूटिया आई एम इन दिल्ली राइट नाउ, और मैच चल रहा है मेरे भाई बहुत ही प्यारा। दुरंत कप पहचाने हो ब्रो, मुझे पता है पहचाना है ब्रो। पहाड़ी ब्रदर फैन हमारे नीलेश पोल भाई होंगे, मुझे पता है। पहाड़ी ब्रदर फैंस कह रहे हैं 21 लाइक्स, क्या बात है, 22 हो गए हैं। पूछ लो उन्हें, वो बता देंगे पहचाना है रे भाई। तो आज का मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हुए मेरे भाइयों, बहुत ही प्यारा मैच। आप लोग की स्क्रीन बोर्ड पे देखिए, स्कोर बोर्ड अपडेट हो चुका है, थोड़ी देर में स्कोर कार्ड भी आ जाएगा। थोड़ा सा ड्रिंक ब्रेक हुआ है, बिस्लेरी की बोतल मिल रही है सारे प्लेयर्स को। मैं आपको बता दूं, आर्मी रेड का क्वार्टर फाइनल होने वाला था बेंगलुरु यूनाइटेड के साथ, बट दोनों मतलब सॉरी जो आर्मी रेड है उनके प्लेयर्स को कोविड हो गया था, इस वजह से उनको नहीं खिलाया गया और बाय दे दी गई। आपके वॉक ओवर दिया आपके बेंगलुरु यूनाइटेड को। तो गाइज आपको एक हाईलाइट बता दूँ, बहुत लॉन्ग शॉट खेला, फ्री किक में एक गोल मारा बेंगलुरु एफसी ने अभी, बहुत ही प्यारा, और स्कोर को बराबर कर दिया गया। एक गोल आर्मी ग्रीन ने मारा, वो जो उन्होंने स्कोर किया था वो पेनल्टी में किया। मैं आपको बता दूँ किसने मारा है बेंगलुरु एफसी के लिए गोल, मोइरंग नाम है इनका, उन्होंने गोल मारा है। बहुत ही प्यारा एक्सेप्शनल गोल था ये, कोई कह नहीं सकता था फ्री किक में भी गोल हो सकता है, क्योंकि काफ़ी दूर थी फ्री किक और काफ़ी लॉन्ग शॉट लिया और सीधा गोल के अंदर बहुत प्यार से गोलकीपर के हाथ से टच होके अंदर गई।
और यहाँ देखिए बेंगलुरु एफसी के कोच उन्हें बहुत प्यार से समझाते हुए। लेट्स सी क्या होता है, बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ। आज तो लड़कों ने आग लगा दी, वाटर ब्रेक। अब मैं बता दूँ वहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड है, ठीक है, इस वजह से हाइड्रेशन शॉर्ट हाइड्रेशन ब्रेक दिया गया है पानी का, ताकि कोई भी बंदा डिहाइड्रेट ना हो जाए, क्योंकि 45 मिनट नॉन स्टॉप धूप में खेलना कोई आसान बात नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आप कोई प्लेयर होंगे तो आप जानते होंगे धूप और प्रैक्टिस के बीच का सफ़र बहुत ही खतरनाक होता है भाई। जब तक पागल यहाँ पर नहीं तब तक लाइक एंड शेयर कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जल्दी से 30+ लाइक्स हो जाने चाहिए। जो 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 हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ हमारे साथ प्यारे प्यारे लोग जुड़ रहे हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई, तभी आप लोग कमेंट कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ हमारे प्यारे प्यारे दोस्त लोग, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आप इजीली आप कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स। धन्यवाद धन्यवाद आर्मी ग्रीन के सपोर्टर्स, कहाँ चले गए सारे के सारे, आ जाइए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ, बन जाइए हमारे हमारे साथ फुटबॉल के फैन। आर्मी ग्रीन सपोर्ट फ्रॉम आसाम, क्या बात है कनक लखार जी, धन्यवाद आर्मी ग्रीन को सपोर्ट करते हुए आसाम से, क्या बात है कनकन भाई। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मॉड दे दो मेरे भाई, जरूर देंगे। जैसे ही व्यूज अगर 100 पार हो जाएंगे सबको मॉड बना दूंगा मैं, जितने आएंगे सबको बना दूंगा। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सबको एवेंजर्स में ऐड किया जाएगा, थोड़ा सा सब्र करें और जैसे ही 100 पार व्यूज होंगे जरूर बनाएंगे। आज का मैच बहुत ही रोमांचक चलता हुआ, आपको बता दें हाईलाइट। अभी थोड़ा सा भाई थोड़ा सा पानी ब्रेक हुआ था। हर्षित चौधरी कहते हुए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हर्षित चौधरी भाई मॉड भी दे देंगे आपको, MOD दे देंगे आपको, मॉडरेटर बना देंगे, पर 100 व्यूज जैसे ही पार होंगे सबको मॉडरेटर बना दूंगा मेरे दोस्त। रॉक गुज्जर कह रहे हैं नहीं आई पहाड़ी ब्रदर फैन, नीलेश भाई कह रहे हैं कि लग रहा है पागल आ गई। यार पागल पागल ना बोलिए, ऐसा अच्छा नहीं लगता यार। वो भी पता है आप दोनों का बहुत वेट करती है रॉक गुज्जर भाई और नीलेश पोल भाई, शायद आज बुरा मान के चली गई लाइव स्ट्रीमिंग से। कोई नहीं, मैच चल रहा है 33 मिनट के अंदर, 1-1 का स्कोर, बहुत ही रोमांचक प्ले गेम प्ले चल रहा है, बेंगलुरु FC वर्सेस आर्मी ग्रीन। और मैच देखिए बेंगलुरु FC के पोजीशन में बॉल, और ये लॉन्ग पासेस चल रहे हैं, बहुत ही प्यारा गेम। बेंगलुरु के प्लेयर ने बहुत अच्छी पासिंग, ओह शिट यार, बहुत प्यारा गेम प्ले देख के भाई आंखों से आंसू आ गए थे मेरे, कि अब तो भाई आर्मी ग्रीन पे गोल दाग दिया। इतना प्यारा पासिंग मैंने आज तक नहीं देखा भाई किसी भी क्लब का, डी के अंदर इतने प्यारे प्यारे बैक हील से पास कर रहे हैं, पर तीसरा पास जैसे ही दिया और उनके पास क्लियर मौका था गोल का और कोई भी उनके प्रेशर नहीं था, पर उसके बाद भी उनने ओवर द बार मार दी बॉल। कोई नहीं मौका मिलता रहेगा, गेम प्ले काफ़ी ख़तरनाक होता हुआ बेंगलुरु FC का भाई। मैं आ गया गुज्जर जी, नीलेश पहाड़ी क्या बात है, नीलेश भाई कितनी आइडिया बना लिया आपने। रॉक गुज्जर वो ब्रा नहीं मानेगी अमन भाई, मुझे पता है। अच्छा ओके रॉक गुज्जर भाई ओके, हाँ वैसे पता है क्या होता है रॉक गुज्जर भाई, ऐसा होता है कि हम लोग लिखते हैं तो कोई तीसरा बंदा देखता है कि यार ऐसे ही चल रहा है तो हम भी बोल देते हैं, तो उसके लिए कह रहा था मैं। मुझे पता है बिमला जी आपकी बातों को बुरा नहीं मानेंगे, पर फिर भी कोई तीसरा बंदा लिख देगा तो फिर भाई अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए। बेंगलुरु फैन चली गई क्या, पर हाँ भाई मैं आपको बता दूँ मैच के हिसाब से बेंगलुरु काफ़ी अच्छा खेल रही है, काउंटर पर काउंटर बने जा रहे हैं आर्मी ग्रीन के ऊपर, देखते हैं क्या आर्मी ग्रीन इसका जवाब एक गोल से देगा या नहीं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि
एक तो मैंने पोल थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया है, यस और नो में समझ नहीं आएगा। यस मतलब आर्मी ग्रीन, तो चलो आर्मी ग्रीन के फैंस ज़्यादा हैं, मैं एक बार फिर से पोल एंड करके एक नया पोल देता हूँ। आर्मी ग्रीन का काउंटर बनते हुए मुझे दिख रहा है, बहुत प्यारी पासिंग चल रही है, बैक पासेस लीजिए, डिफेंडर ही काट के आगे आ गए और ये पास दिया, वो पास गलत हो गया। बॉल फिर से आर्मी ग्रीन के पास, आर्मी ग्रीन आके प्लेयर आगे बढ़ते हुए, बहुत प्यारी पासिंग, बेंगलुरु ने काउंटर बना लिया है और आर्मी ग्रीन के डिफेंडर आ चुके हैं। भाई साहब बहुत प्यारा लंबा शूट मारा पर गोल में नहीं गया, थैंक गॉड भाई, आर्मी ग्रीन पे फिर से एक और काउंटर बन चुका था और गोल की पूरी आसार थे, पर गलत एंगल से किक किया गया और ये गोल वेस्ट, ये मौका वेस्ट हो गया। मेरी और नीलेश की नॉटी एंड स्वीट सिस्टर है, सुन लीजिए भाई, मैं एक बार डाल देता हूँ, सभी लोग सुन लीजिए, कोई भी बिमला जी से मजाक ना करे एक्सेप्ट रॉक गुज्जर भाई और नीलेश जी, क्योंकि ये दोनों बहुत ही प्यारे हैं और ये तीनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। पहाड़ी भाई सब लोग मेस्सी रोनाल्डो करता है, मगर यहाँ ये नहीं पता 2018-19-20 में मेस्सी रोनाल्डो के बाद सबसे ज़्यादा गोल सुनील छेत्री के, अगर पूरी इंडिया सपोर्ट करेगी तो वो नंबर वन होते। क्या बात है, अर्चना जी ने बहुत प्यारी इन्फॉर्मेशन दी है, हाँ नंबर टू पे आ चुके हैं अभी 103 गोल के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 73 या 74 गोल के साथ आपके आपके आगे निकल चुके हैं आपके प्यारे दोस्त सुनील छेत्री भाई, जिनकी सालाना इनकम 84 लाख रुपीज़ है, ठीक है, जो ये फुटबॉल से कमाते हैं और एड से कमाते हैं, नीलेश पहाड़ी भाई कह रहे हैं, और थर्ड में मेसी है, फोर्थ में नेमार, कोई मजाक नहीं करेगा गुज्जर भाई, हमारी सीरीज का खाली हम कर सकते हैं मजाक उसका, ओके ओके नीलेश भाई और रॉक गुज्जर भाई, आज दोनों भाई आ रखे हैं और उनकी बहन आई नहीं है, क्या हो गया बिमला जी, बहुत अच्छा खेल रही थी बेंगलुरु FC और अभी आप चली गई। जय हिंद जय भारत, सब लोग सपोर्ट कीजिए फुटबॉल को, बेंगलुरु FC वर्सेस आर्मी ग्रीन का मैच चलता हुआ बहुत ही रोमांचक, मैं आपको पोल दे देता हूँ, एक नया पोल, जल्दी से पोल का जवाब दीजिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैंने पोल दे दिया है, कौन जीतेगा आज। मैच हाफ टाइम की तरफ बढ़ता हुआ, सिर्फ 5-6-7 मिनट रह गए मेरे दोस्तों, 7 मिनट मैच यहाँ पे बहुत ही रोमांचक होता हुआ, एक फ्री किक आर्मी के प्लेयर को मिलती हुई 39 मिनट्स के अंदर गेम पहुँच चुका है। आर्मी ग्रीन के इतने ज़्यादा सपोर्टर, क्या बात है, ये दिल मांगे मोर, आर्मी ग्रीन ये दिल मांगे मोर, जल्दी से गोल कीजिए, एक बार आर्मी ग्रीन के फैंस लिख दीजिए सारे के सारे ये दिल मांगे मोर। शेरशाह जी का बहुत ही प्यारा डायलॉग था, वो भी आर्मी के थे जो देश के लिए शहीद हो गए, तो आप एक बार आर्मी के फैंस जितने भी हैं वो एक बार लिख दीजिए दिल मांगे मोर, अगर आप लोग आर्मी ग्रीन को सपोर्ट कर रहे हैं तो दिल मांगे मोर लिख दीजिए। मैं बता दूं यहाँ पे बेंगलुरु FC का काउंटर, 1-on-1 का गेम, और ये देखिए भाई साहब कीपर है या फिर क्या चीज है, आर्मी के कीपर ने 1-on-1 भी रोक लिया मेरे भाई, बिल्कुल रोक लिया, बहुत प्यारा बहुत प्यारा, कोई नहीं था, ओनली कीपर और आपके आपके स्ट्राइकर बेंगलुरु के, इतना प्यारा मौका बेंगलुरु ने छोड़ दिया। हैशटैग सुनील छेत्री, हैशटैग सुनील, मुझे प्लीज़ इंस्टा पे रिप्लाई करना। युवराज गुप्ता जी आपको ज़रूर हम लोग इंस्टा पे रिप्लाई करेंगे, इंस्टा पे रिप्लाई करेंगे, आपको रिप्लाई दिए बिना कहाँ जाएंगे पहाड़ी ब्रदर्स, मेरे दोस्त पहाड़ी ब्रदर्स आपके साथ जुड़े रहेंगे ज़िंदगी भर तक, आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अर्चना बेंगलुरु जीतेगा, राहुल YD गुज्जर, मैं आप सभी को बता दूं मेरे दोस्तों, सभी को बता दूं आज का मैच बहुत ही रोमांचक, इतना प्यारा मैच था ना ये वाला, बेंगलुरु के पास बहुत अच्छा मौका था पर हमारी आर्मी ग्रीन, प्यारी सी आर्मी ग्रीन का इतना प्यारा सेव था, ये कीपर आके बिल्कुल बॉल से चिपक गए और बॉल को काउंटर अटैक को रोक लिया, देखते हैं क्या होता है, मुझे तो लग रहा था ये गोल है, कोई नहीं रोक सकता, बट
यहाँ पे आते हैं हमारे आर्मी ग्रीन के गोलकीपर, जिन्होंने मेरे अनुमान को गलत साबित किया अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से, अपने गेम से। हमारे नीलेश भाई, अपने शेरशाह मूवी देखी है? रॉक गुज्जर जी, मेरे हिसाब से बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो जिन्होंने शेरशाह नहीं देखी, क्योंकि शेरशाह मूवी भाई, जो ट्रू फैन है आर्मी के, इंडिया इंडिया के, वो ज़रूर शेरशाह को देखेंगे, शेरशाह मूवी को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उस मूवी में भाई दिखाया गया है कि एक आर्मी का बंदा कितने सेक्रीफाइसेस करता है देश को सुरक्षित रखने में। और एक आर्मी का बंदा कभी जान देने से डरता नहीं है, ये बात याद रखना। और आज उन्हीं आर्मी ग्रीन का मैच चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। राहुल वाइडी कहने, देखी है भाई? देखा, मैंने कहा था मोस्टली इंडियंस सबने देखी है। अगर हम रोनाल्डो मेसी को छोड़ के इंडिया को सपोर्ट करें तब नंबर वन होगा, क्योंकि वो सबको सपोर्ट करते हैं। क्या बात है अर्चना सिंह जी, एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ इंडिया में आपको मेसी रोनाल्डो के सपोर्ट करने वाले ज़्यादा मिलेंगे। हाँ, यही चीज़ तो है यार, इंडिया में इंडिया के प्लेयर्स के अगर मैं पूछ लूँ, इंडिया की टीम के 10 नाम बता दीजिए कौन कौन खेलते हैं इंडिया टीम में, तो किसी को याद नहीं होगा। पर लोगों को पता है कि आज पीएसजी में खेल रहे हैं मेसी का ट्रांसफ़र हुआ, और नेमार, मापे भाई और मेसी तीनों एक साथ खेल रहे हैं, ये सारी पता है। जुवेंटस छोड़ गए, रियल मैड्रिड में चले गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो ये सारी चीज़ें हमें भी पता है और आपको भी पता है। मैं बता दूँ, क्योंकि हम लोग फुटबॉल से अवेयर कहीं ना कहीं हैं, बट अपने देश के फुटबॉल से नहीं। तो इस बार हम लोग देश को फेमस करने के लिए, फुटबॉल को फेमस करने के लिए आ चुके हैं पहाड़ी ब्रदर्स, गुमनाम गेमों को एक नाम देने के लिए। प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग उस चीज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पहाड़ी आर्मी, आप लोगों की वजह से ये स्पोर्ट्स एक अच्छे मुकाम तक जा रहे हैं। आज काफ़ी कम व्यूज़ हैं, मैं बता दूँ काफ़ी कम व्यूज़ हैं, पता नहीं क्यों, क्वार्टर फाइनल्स का मैच है। तो देखिए, यहाँ पे मिल गया है बेंगलुरु के प्लेयर को एक फ्री किक। बेंगलुरु के प्लेयर को एक फ्री किक मिलते हुए, पर काफ़ी चिंता की बात नहीं है क्योंकि बॉल बहुत दूर है। फिर से गेम शुरू हो चुका है मेरे भाइयों, और ये मारा शूट और ये रॉन्ग पास गया आर्मी ग्रीन के प्लेयर का। देखते हैं कौन सी टीम पहले थकेगी। मैं आपको बता दूं, 42 मिनट्स चल रहे हैं, 42 मिनट्स का गेम प्ले। यहाँ पे एक काउंटर अटैक बनता हुआ दिख रहा है मुझे, काउंटर अटैक दिख रहा है मेरे भाइयों, बट बॉल फिर से पहुँच चुकी है बेंगलुरु एफसी के पास, और बेंगलुरु एफसी पूरी जान लगा रहा है। काउंटर अटैक बनते हुए, बहुत प्यारा काउंटर अटैक, क्या बात है। वन ऑन वन डिफेंस, और ओहो डिफेंस, आर्मी ग्रीन ने क्लियर कर दिया बॉल को बाहर मार के। बहुत ही प्यारा अटैक बन गया था, बस एक प्लेयर को काटना था और उसके बाद सीधा गोल पे अटैम्प्ट। पर कोई बात नहीं, निराशा की कोई बात नहीं, निराश मत होइए फैंस, निराश मत होइए फुटबॉल फैंस, मैच बहुत। अरे वाह, अमन भाई, गुज्जर भाई, 31 लाइक, क्या बात है राहुल वाईडी, धन्यवाद धन्यवाद सारे के सारे मेरे प्यारे दोस्तों, 31 लाइक्स हो चुके हैं इस वीडियो में। क्या हम फुटबॉल के लिए 50 लाइक्स देख पाएंगे भाई? मुझे पता है इंडियन फुटबॉल टीम के करंट 20-25 प्लेयर्स। क्या बात है डायनेमिक गेमर 17, यू आर सच एन इंडियन भाई, आप बहुत ही प्यारे इंडियन हैं, क्योंकि यार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता मेरे भाई, क्योंकि फुटबॉल उनके लिए मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर आपका प्यारा मेसी। अगर किसी से भी पूछ लीजिए जो अननोन होगा, कुछ लोग तो सुनील छेत्री भाई को भी नहीं जानते होंगे, हाँ ये मैं बता दूं, थोड़ा लड़कियों का अंदर इंटरेस्ट कम होता है फुटबॉल का, अगर आप उनसे पूछेंगे तो शायद उन्हें नहीं पता होगा, और कुछ लड़के आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिनको नहीं पता होगा। तो आप लोग एक बार सबको बता दें भाई, सबको बता दीजिए कि इंडियन फुटबॉल के सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, ताकि इंडियन फुटबॉल भी आगे बढ़े। टीम इंडिया को हमेशा सपोर्ट करें, इंडिया के हर एक क्लब को, हर एक प्लेयर को ज़रूर सपोर्ट करें। आज का मैच बहुत ही रोमांचक होता हुआ, दोनों स्कोर 1-1। मैं आपको बता दूं, बेंगलुरु एफसी की तरफ से मारा मोयरंग भाई ने मारा है गोल, और आर्मी ग्रीन की तरफ से पेनल्टी में गोल मारा गया
ललवांग खिमा नाम तो प्यारा है, और काम देखिए पेनल्टी में सीधा गोल ताक दिया और टॉप राइट कॉर्नर। डायनेमिक गेमर कह रहे हैं, डायनेमिक गेमर आपकी बात में पढ़ चुका हूँ, धन्यवाद मेरे भाई, फुटबॉल को ऐसे ही फेमस करते रहिए फुटबॉल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। चार्ल्स गोंजाल्वेस कह रहे हैं गोल हो चुका है, गोल हो चुका है भाई, अभी आया। ओके ब्रदर कम फास्ट। अर्चना सिंह जी तुरंत कम में फॉरनर्स भी खेलते हैं, हाँ खेलते हैं, 3 से 4 फॉरनर्स भी होते हैं, कोई श्रीलंका होगा या एक कंट्री है तोगबुदो, उनकी नेशनल टीम के मेंबर्स भी हैं, पर मोस्टली इंडियन आपको ज़्यादा मिलेंगे। ये एक तरीका है ताकि आप इंटरनेशनल प्लेयर के साथ रहकर कुछ गेम सीखे, हमारे जो यंग जनरेशन के प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलेंगे तभी तो उनका गेम प्ले अच्छा होगा। मैं जानता हूँ यूरोपियन टीम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है फुटबॉल को लेकर, क्योंकि भाई उनके आए दिन मैचेस चलते रहते हैं, कभी ला लीगा चलता है, कभी यूएफए चलता है, कभी फीफा चलता है, हर जगह क्वालिफाई करते हैं, हर जगह खेलते हैं, नहीं तो क्लब मैचेस खेलते रहते हैं भाई, इतने खेलते हैं ना, जितना इंसान खेलेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। हमारा आईएसएल देखो एक बार शुरू हुआ, उसके बाद बीच में कितना 2020 में शुरू हुआ और अभी 21 में आने वाला है, तो अब ये शुरुआत हुई है आईएसएल द्वारा, उससे पहले ज़्यादा मैचेस नहीं थे, तो भाई देखो कितना प्यारा गेम हो रहा है इंडिया में फुटबॉल, अब धीरे धीरे नाम कमा रहा है, धीरे ही सही पर कमा तो रहा है, यही चाहते हैं मेरे भाइयों, ताकि फुटबॉल फेमस हो और इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो, ताकि हम सब के सब फीफा का जो इंतज़ार कर रहे हैं वो ज़रूर कर पाए। तो जय हिंद जय भारत लिख के सपोर्ट कीजिए पहाड़ी ब्रदर्स को। आज का मैच फिर से शुरू होता हुआ मेरे भाइयों, हाइलाइट्स बता दूँ अभी 45 मिनट्स के अंदर दो गोल दाग दिए, एक पेनल्टी में मारा गया, एक फ्री किक में मारा गया। हाफ टाइम हो चुका है, थोड़ी देर में आपके स्क्रीन में भी अपडेट हो जाएगा, हाईलाइट चल रही है बस। सुनील छेत्री, जीजालाल, पिंकुलाल, लिस्टन, ग्लैन मार्टिनीज, देखिए डायनेमिक गेमर ने सारे नाम बता दिए मोस्टली। धीरज सिंह हमारे प्यारे प्यारे कीपर हैं। राव देसारी, मनवीर सिंह, ईशान पंडिता, आदिल खान, क्या बात है भाई क्या बात है, सबके नाम पढ़ लीजिए एक बार भाई, टीम इंडिया के प्लेयर्स के नाम। डायनेमिक गेमर 17 बहुत ही प्यारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी भाई ने आज, तो तुरंत का पहली बार 1888 में हुआ था, ये बहुत पुराना टूर्नामेंट है। अर्चना सिंह जी ने भी बहुत प्यारी बात बता दी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी 3-4 लाइव स्ट्रीमिंग में कि वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आता है ये कप, मतलब बहुत पुराना है, 1888 से खेला जा रहा है। दक्ष IPL लाइव कब करोगे, ज़रूर बताएंगे मेरे भाई, ज़रूर बताएंगे। दक्ष कुमार जी आप लोग काफ़ी कम आते हो यार, IPL दिखाने का मन नहीं करता, आप लोग ज़्यादा आएंगे तो IPL दिखाने का मन करेगा, फुटबॉल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें, क्या बात है। मैस भाई कह रहे हैं फुटबॉल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें, तो भाइयों फुटबॉल को ज़रूर सपोर्ट करें। वुमेंस अपडेट, हेलो ब्रदर कैसे हो, वुमेंस अपडेट कैसे हो मेरे भाई, मैं बिल्कुल ठीक एकदम चकाचक। अर्चना सिंह जी जैसे हॉकी कुछ साल की लिए अच्छा नहीं खेल पाया वो से ही फुटबॉल भी कमबैक करेगा, क्या बात है क्या बात है। अर्चना सिंह जी ने बहुत प्यारी बात बोल दी, आज जैसे हॉकी कमबैक कर रहा है वैसे ही फुटबॉल भी करेगा, तो बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ। यहाँ पे मैं बता दूँ अभी ऐड चल रहे हैं मेरे भाइयों, ऐड चल रहे हैं, हाफ टाइम हो गया है। ज़्यादा बड़ा हाफ टाइम नहीं होगा, मुश्किल से 15 मिनट का होगा, जैसे ही नीचे टाइमर स्टार्ट हो जाए तो समझ जाइए मैच शुरू हो चुका है। मैं 2 सेकंड में आया मेरे भाई, पानी पी के गला सूख चुका है, थोड़ा सा पानी हम भी पी के आ जाए, पहाड़ी ब्रदर्स पानी पी के आ जाए। मैं आप लोगों से एक बार पूछ लेता हूँ, जैसे हम बचपन में नहीं पूछते थे टीचर से, मैं गो टू ड्रिंक वाटर मैम, तो प्लीज़ मुझे आज्ञा दे, थोड़ी देर में मैं पानी पी के आता हूँ, थोड़ी देर में मैं पानी पी के आता हूँ मेरे दोस्तों, थोड़ी देर में, गला सूख चुका है। छोटा पहाड़ी पे स्ट्रीम करो IPL की, ठीक है मेरे भाई ठीक है।
कल फिर देख लें। अर्चना सिंह जी अभी मैं एक बार देख के आया, एक बार देख के आया जब तक सानिया मिर्जा जी का मैच। भाई 24 तारीख का मैच दिखा रहा है, 21 तारीख का मैच दिखा रहा है, आज तो 25 तारीख है, 25 तारीख को तो कोई नहीं दिखा रहा भाई मैच। 25 तारीख का मैच नहीं यार, 27 तारीख का मैच दिखा रहा है यहाँ पे। यूएसए डिजम्बर्ज ऑस्ट्रावा, ऑस्ट्रावा में तो भाई 24 तारीख का मैच था, 24 तारीख का मैच जीत चुकी थी सानिया मिर्जा। अभी तो फिलहाल कोई मैच नहीं दिखा रहा, मैं एक बार फिर भी देख लेता हूँ। अच्छा दिखा रहा है, दिखा रहा है, सेमीफाइनल है आज। हमारे साथ अनु शर्मा जुड़ चुकी है, जय हिंद जय भारत लिखते हुए, क्या बात है। छोटा पहाड़ी पे ज़्यादा लोग आते हैं आईपीएल देखने, छोटा पहाड़ी पे स्ट्रीम करो, करो आईपीएल की ज़रूर मेरे भाई दक्ष कुमार, आपकी बात को हम सराखों पे ज़रूर रखेंगे एक बार। शॉर्ट बीट्स कह रहे हैं नमस्कार भाई, आई एम बैक, क्या बात है शॉर्ट बीट्स, कैसे हैं आप दक्ष कुमार जी। छोटा पहाड़ी पे करो, ज़रूर करेंगे। प्लीज़ पहाड़ी भाई देखो सानिया मिर्ज़ा का मैच, अभी हाफ टाइम है प्लीज़। अरे कुछ बोलो पहाड़ी भाई, ज़रूर बताता हूँ मेरे भाई, ज़रूर बता रहा हूँ। थोड़ा सा सबर रखे, सबर रखे, मैं एक बार स्क्रीन अपडेट करके आया। मिल गया है मुझे सानिया मिर्जा जी का मैच, सानिया मिर्जा जी का मैच मिल चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, आज सेमीफाइनल है। तो लीजिए
तो जैसे ही स्कोर लाइव होगा आपको बता दिया जाएगा। वैसे अभी 3:30 बजे का मैच है, हाफ टाइम चल रहा है मेरे भाई, हाफ टाइम चल रहा है। आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा अर्चना सिंह जी, थोड़ा सा सब्र रखें, मैं आपके लिए काम करने गया था, अब हो चुका है वो काम, जल्दी से जुड़ जाइए, हाफ टाइम चल रहा है, जैसे ही मैच शुरू होगा आ जाना। सेमीफाइनल है यार, सेमीफाइनल है, क्वार्टर फाइनल का मैच जीत चुके हैं हम लोग, आज सेमीफाइनल का मैच है, सानिया मिर्ज़ा वर्सेस सानिया मिर्ज़ा जेंगिस वर्सेस, मैं बताता हूँ किसके साथ मैच खेला जा रहा है। क्वार्टर फाइनल्स का मैच ऑलरेडी जीत चुकी है, आज सेमीफाइनल्स का मैच है, सेमीफाइनल्स जीत गई तो भाई समझ लो सिल्वर पक्का। ये एक ओपन टूर्नामेंट है, ठीक है, ओपन टूर्नामेंट है, ऑस्ट्रावा ओपन, ठीक है, इसमें खेल रही है सानिया मिर्जा के साथ चाइना की एक प्लेयर जेंगिस, और आज है इनका सेमीफाइनल, और मैं आपको बता दूँ कल फाइनल मैच खेला जाएगा, कल दिल थाम के बैठ जाइए, कल का मैच खेला जाएगा 2:30 बजे, 2:30 बजे खेला जाएगा, पहले ही सुन लीजिए, फिर मत बताइए, बस बोलना कि भाई बताया नहीं, अगर आज जीती है तो कल फाइनल होगा मेरे भाइयों, कल फाइनल होगा, आज का मैच होगा सेमीफाइनल, अगर हम सेमीफाइनल में जीत जाते हैं तो हमारा सिल्वर तो पक्का है भाई, सिल्वर पक्का है, कोई नहीं हरा सकता हमें फिर सिल्वर में, आज का मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मकाटो निनोमिया जापान से हैं, ये जो हमारे ओपोनेंट में उनका नाम बता रहा हूँ, 27 साल की उम्र है और 50 सॉरी कह रहा हूँ, मकाटो निनोमिया जापान से हैं, निनोमिया निनोमिया यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है, हाफ टाइम चल रहा है, 9 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। नेहा राणा जी कैसी हैं आप, सऊदी रमन कप की अपडेट दे देना पहाड़ी भाई, सऊदी रमन की अपडेट मिल जाएगी अर्चना सिंह जी, आज रात तक आज शाम तक आपको मिल जाएगी। नेहा राणा जी आज क्वार्टर फाइनल्स नहीं फाइनल्स है यार, सेमीफाइनल्स है, नहीं यार मैं दिखा दूँ क्या आप लोगों को, वेट करो, साई शिवम कैसे हैं आप, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं मेरे सामने, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि ये क्वार्टर फाइनल्स नहीं सेमीफाइनल्स है। भाई रुक जाओ आप लोग जिनके, थैंक्स नरेश पोल भाई, जो लोग सोच रहे हैं कि ये वो जो मैच है सानिया मिर्जा जी का, उनके लिए एक बार ये देख लीजिए फटाफट से, सेमीफाइनल्स देखो ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको दोबारा नहीं दिखाऊंगा ये चीज़, सेमीफाइनल लिखा है, दिख रहा है आप लोगों को सेमीफाइनल, कोई मजाक थोड़ी ना चल रहा है यहाँ पे भाई, टेनिस का मैच है सेमीफाइनल्स का, अब बड़े बड़े अक्षरों में देख लीजिए सेमीफाइनल चल रहा है, ठीक है, मिर्जा जेंगिस वर्सेस हिजुमी और निनोमिया, ठीक है, सेमीफाइनल्स दोबारा दिखा रहा हूँ सुन लीजिए, फिर से बोल रहा हूँ सेमीफाइनल्स का है, कोई मजाक का मैच नहीं, ये मैच जीत गए तो सीधा फाइनल्स के अंदर, मैंने स्क्रीन छोटा किया, आप लोग मेरे पे शक करने लग गए कि पहाड़ी ब्रदर्स आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सेमीफाइनल्स का मैच है मेरे भाई, देखते हैं बाकी हमारे जनता क्या कहती है। पहाड़ी भाई टेनिस में मेडल्स बस ओलंपिक में होते हैं, इसमें जो जीतेगा उसे बस टाइटल मिलता है, इसलिए जो फाइनल जीतेगा बस उसको टाइटल मिलेगा। ओके ओके धन्यवाद अर्चना सिंह जी, धन्यवाद, कुछ तो देंगे यार, कैश प्राइज भी नहीं देंगे क्या सेकंड में,
अर्चना सिंह जी, हमारे लिए तो कैश प्राइज भी मेडल ही के समान है यार। कैश प्राइज भी दे दो तो सही रहता है, ताकि प्लेयर की जो मेहनत है, जो इतना आया दूर से खेलने, उसको पैसा तो मिलना चाहिए। अच्छा, नेहा राणा जी कह रहे फुटबॉल की बात की है। हाँ, फुटबॉल में तो भाई, फुटबॉल में तो क्वार्टर फाइनल चल रहा है। हाय अर्ल रोड्रिगेस भाई, आपका वेट हो रहा था, कहाँ थे आप इतनी टाइम से? अरे विशाल भाई को इन बोलो कि छोटा पहाड़ी पे आईपीएल स्ट्रीम करे। दक्ष कुमार जी, बोल दिया है मैंने, जल्दी से जल्दी वो जाएंगे, जरूर देखना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलो यार, मैं आपको पोल ही दे देता हूँ एक बार, आप लोगों को आईपीएल की अपडेट कहाँ चाहिए, छोटा पहाड़ी पे बड़ा पहाड़ी पे? क्योंकि भाई मैं देख रहा हूँ श्रेयस दास जी हमारे साथ जुड़ते हुए, क्या बात है, कैश प्राइज बहुत होगा। डीप ओपी कह रहे हैं कैश प्राइज भी बहुत होगा। आईपीएल की कमेंट्री किधर करें, ये सवाल का जवाब दीजिए, पोल में आंसर दीजिए, छोटा पहाड़ी या बड़ा पहाड़ी? पहाड़ी भाई आईपीएल मत करो, वर्ल्ड T20 करना इम्पोर्टेंट है। अर्चना सिंह जी, T20 तो किसी भी हालत में हम जरूर दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे, क्योंकि टीम इंडिया खेल रही है। जब जब टीम इंडिया के सारे प्लेयर्स एक साथ मिलकर खेलते हैं, तो वो तो दिखाना बनता ही है, वो दिखाएंगे। आईपीएल भाई ऑन डिमांड दिखा रहे हैं, आईपीएल में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, पर फिर भी ऑन डिमांड दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स आईपीएल को बहुत पसंद करते हैं। तो गाइस, बाकी साइड बाय साइड हमने आपसे वादा किया था, जो गुमनाम गेम्स हैं उनको तो हम जरूर दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो लाइश्रम माइकल जी कह रहे हैं, पहले तो वेलकम करना चाहूंगा माइकल जी, आपका पहाड़ी ब्रदर्स की लाइव स्ट्रीमिंग में स्वागत है। आर्मी ग्रीन इज बेटर फॉर टुडे मैच एंड आर्मी विल विन, जरूर आर्मी जरूर जीतेगी। थोड़ा एक बार हाफ टाइम खत्म होने दीजिए, सेकंड हाफ देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि आर्मी जीतेगी या फिर बेंगलुरु एफसी। आपके स्टेटमेंट से मुझे पता चल चुका है कि आप आर्मी के बहुत बड़े फैन हैं, और यहाँ पे आर्मी के बहुत ज़्यादा फैंस हैं। और मैं खुद बता दूँ, मैं भी पर्सनली आर्मी को ही सपोर्ट कर रहा हूँ, अभी तक मैंने बताया नहीं था, पर मैं करूनी को रहा हूँ। आर्मी ग्रीन विल विन दिस मैच, क्या बात है। और रॉड्रिगेस जी भी आर्मी ग्रीन के साथ हैं, धन्यवाद धन्यवाद। चालू हो गया फुटबॉल, लीजिए चालू हो चुका है फुटबॉल, अर्चना जी कह रही हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ स्कोर कार्ड को। तो लीजिए, मैच शुरू हो चुका है, आपका स्कोर कार्ड भी अपडेट हो चुका है, मैं वेट करो थोड़ा समय लूंगा। स्कोर कार्ड अपडेट हो चुका है आपका, भाइयों भाइयों स्कोर कार्ड अपडेट हो चुका है, लाइव जुड़ जाइए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ। यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैच, और स्टार्टिंग में ही एक गोल मार दिया, 2-1 हो चुका है पहाड़ी भाई। कल से सुधीराम कप है, वो दिखाना प्लीज। पीयूष नेगी जी, दिल थाम के बैठ जाइए, सुधीराम कप भी दिखाएंगे। और यहाँ पे 2-1 का स्कोर हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, 2-1 का स्कोर, बहुत ही बेहतरीन गेम, 2-1 का स्कोर हो चुका है, 50 50 पॉइंट्स। और आपको अपडेट दे दूँ फुटबॉल में चल क्या रहा है,
ताकि आप लोगों को पता चले कि ऐसे कैसे गोल मार दिया। सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है, सेकेंड हाफ में सब्स्टिट्यूट भी हो रहे हैं अब। 11 नंबर आर्मी ग्रीन का एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हुए तो लीजिए, यहाँ बेंगलुरु ने एक पॉइंट से बढ़त बना ली है। आर्मी ग्रीन को एक गोल मारना होगा किसी भी हालत में, तभी कुछ हो सकता है। 2-1 हो गया। अर्चना सिंह जी बिल्कुल सही कह रही, 2-1 हो गया। दिल धक धक हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। आर्मी ग्रीन को हम सपोर्ट कर रहे थे और आर्मी ग्रीन अभी एक गोल से पीछे। बेंगलुरु के प्लेयर्स बहुत एक्टिव हो रहे हैं और ये भागे आर्मी ग्रीन के डिफेंडर और स्लाइड टैकल करके बॉल को पहुंचा दिया आगे। भाई स्लाइड टैकल पे स्लाइड टैकल, कभी कोई प्लेयर टैकल दे रहा है कभी कोई। बहुत ही बेहतरीन गेम और ये क्लियर कर दिया है बॉल को आपके बेंगलुरु के डिफेंडर ने। बहुत ही प्यारा भाई, बहुत ही प्यारा मैच देखने को मिल रहा है आज। बैक टू बैक स्लाइड टैकल, आप सोच सकते हो स्लाइड टैकल में कितना रिस्क होता है। स्लाइड टैकल में बहुत रिस्क होता है और ये दोनों ही टीम बैक टू बैक स्लाइड टैकल मारते हुए बॉल को क्लियर करते हुए एक और बार थ्रो इन मिला और ये देखिए गेम शुरू हो चुका है और ये फिर से क्लियर की है बेंगलुरु के प्लेयर्स ने बॉल। कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। एक बहुत प्यारा बॉल बनाया गया बट नहीं रिसीव कर पाए। बेंगलुरु के प्लेयर, अब देखते हैं क्या होता है। इफ बेंगलुरु विन देन दे विल हैव अ टफ ऑपोनेंट एफसी गोवा। अर्ल रॉड्रिगेस कह रहे हैं अगर ये जीत गए तो टफ कॉम्पोनेंट मिलने वाला है, ऑपोजिशन बहुत खतरनाक होने वाला है एफसी गोवा। बेंगलुरु के सपोर्टर कहाँ गई बे? नीलेश पॉल भाई पता नहीं, बिमला जी आज बहुत गुस्से में है, किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया। हाउ टू सी दिस लाइव वीडियो प्लीज टेल मी ब्रदर। लाइश्राम माइकल जी, इफ यू हैव 180 रुपीज देन यू कैन वॉच इट ऑन अड्डा टाइम्स। एक ऐप है अड्डा टाइम्स, आप लाइव फुटबॉल मैचेस देख सकते हो, पर वहाँ पे पेड मेंबरशिप है। अड्डा टाइम्स, सिर्फ अड्डा टाइम्स के पास राइट है इसका और कोई नहीं दिखा रहा इसे। तो आप अपने या तो 180 खर्च कर दीजिए या फिर पहाड़ी ब्रदर्स के साथ लाइव कमेंट्री में हम आपको पल पल की खबरें दे रहे हैं, क्योंकि हमने खर्च किया, आपने खर्च किया, बात एक ही है मेरे दोस्त। टेलीग्राम पे लिंक से देखते हैं कुछ लोग। अच्छा टेलीग्राम पे लिंक भी मिल रहा है क्या? ऐसा कुछ भी है दीप ओपी? अभी रुको यार, मतलब मेरे 170 रुपये बर्बाद हो गए क्या? मैंने अपने 170 रुपये बर्बाद कर दिए क्या दोस्त? अगर ऐसा कुछ था तो पहले बता देते यार। चलो कोई नहीं भाई, फुटबॉल के लिए कोई पैसा बर्बाद नहीं है। अगर फुटबॉल को हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो हक से सपोर्ट करेंगे, कोई मजाक थोड़ी ना चल रहा है मेरे भाई। चोरी से नहीं, हक से सपोर्ट करेंगे। कनक सरकार जी के एस भाई कह रहे हैं मॉडरेटर बना दो। अरे यार सॉरी कनक सरकार जी, आपको दक्ष कुमार जी दिख रहे होंगे इस वजह से आपने बोला। दक्ष कुमार जी माफ़ी चाहूँगा आपसे, मैं शक्तियाँ छीन चुका हूँ। सारे मॉडरेटर्स को एक साथ ही बनाया जाएगा अब। एवेंजर 100 व्यूज़ होते ही मैं सबको मॉडरेटर बना दूंगा एक दिन के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों एक दिन के लिए 100, जैसे ही 100 व्यूज़ पार होंगे मैं अपने प्यारे प्यारे पुराने पुराने एवेंजर्स को वापस से उनकी शक्तियाँ वापस दे दूंगा। वेटिंग फॉर IPL, आपकी कमेंट्री का इंतज़ार है। दक्ष कुमार जी ज़रूर करेंगे IPL की भी कमेंट्री। RR रेंजर्स, सशमी एंड मिलर्स इन मॉरिस एंड लुइस आउट, DC चेंजेस, क्या बात है। वेशनाथ जी इन्फॉर्मेशन देते हुए, पहाड़ी भाई रॉक गुज्जर ने विमला जी को पटक दिया एक दूसरे को, अभी वो शांत हो गए। अच्छा अर्चना सिंह जी कहते हुए, तो यहाँ पे आर्मी ग्रीन के पासेस चल रहे हैं, बहुत ही प्यारे पासेस चल रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है, गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग होता हुआ। आर्मी ग्रीन के पास बॉल और ये देखिए बहुत अच्छा, और ये क्लियर कर दिया डिफेंस ने बॉल क्लियर कर दी मेरे दोस्तों। हम कभी शांत नहीं होते अर्चना जी, हमारी सिस्टर आ जाएंगी तो हो जाएंगे फिर से चालू। अच्छा नीलेश पोल भाई कह रहे हैं कि अभी हम कभी शांत नहीं होते, पर अभी जैसी वो आएंगी तब हम शुरू हो जाएंगे दोबारा से। यहाँ पे आर्मी ग्रीन के पास एक मौका दिख रहा है मुझे बनता हुआ और ये, ओ भाई साहब, कीपर का हाथ लग के बॉल ऊपर चली गई ओवर द बार। बहुत ही प्यारा मौका था ये, यहाँ कीपर को थोड़ा सा बैक में पेन होता हुआ, देखते हैं क्या होता है। फिजियोथेरेपिस्ट आ चुके हैं उनके पास।
तो यहाँ पे दिलीप कुमार जी, इट विल बी फन टू वॉच 3-in-1। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, अगर हो जाए तो अच्छा है, बट हम तो यार आर्मी ग्रीन को सपोर्ट कर रहे हैं मेरे दोस्त, आर्मी ग्रीन के लिए लिखते तो ये बात अच्छा लगता, पर कोई नहीं, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कीजिए, अच्छा लगता है। दोनों ही टीम इंडिया की है, अगर आप किसी एक टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पर प्लेयर्स के साथ हमेशा सपोर्ट रखें दोनों ही प्लेयर्स का। जय हिंद, जय भारत। कभी किसी प्लेयर या किसी टीम को डिसरिस्पेक्ट ना करें मेरे भाइयों, क्योंकि है तो प्लेयर्स ही सारे, प्लेयर्स से ही टीम बनती है। मैच 2-1, गेम 56 मिनट्स के अंदर बॉल कीपर ने वापस स्टार्ट कर दिया है गेम। बेंगलुरु बेंगलुरु के पास बॉल, और ये शूट किया है बहुत लॉन्ग शूट, और देखते हैं किसके पास जाके रुकता है। हेड से क्लियर किया आर्मी के प्लेयर ने, और ये दोबारा हेड मारा बेंगलुरु के प्लेयर ने। क्या चल रहा है यहाँ, हेड हेड से पूरा गेम ख़त्म कर देंगे क्या? मैच देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हुए, और ये पासिंग चल रही है बेंगलुरु की, खतरनाक बैक पासेस खेल रहे हैं। अब कोई मॉड नहीं है भाइयों उस, कनक सरकार जी, कनक सरकार जी दिल छोटा ना करें, मॉडरेटर ज़रूर बनाएंगे भाई, ज़रूर बनाएंगे जब 100 से ज़्यादा व्यूज़ होंगे। अरे पहाड़ी भाई गेम हटा दो, उसके जगह टेनिस लगा दो। 3:30 बजे है, 3:30 बजे है मेरे भाई, पूछ के बताता हूँ मेरे भाई, पूछ के बताता हूँ। मेरे स्क्रीन पे अभी गेम चल रहा है, मैं जैसे ही हटा दूंगा तो विशाल भाई को कॉल कर पाऊंगा उसके बाद ही, तो मैच देख लेते हैं उसके बाद मैं पूछ के बताता हूँ क्या हुआ विशाल भाई को, कि क्यों नहीं दिखा रहे। विशाल भाई, दक्ष भाई कुछ पूछ रहे हैं, दक्ष भाई आपके रियल फैन बन चुके हैं, आईपीएल के रियल फैन आ चुके हैं दक्ष भाई, पहाड़ी ब्रदर्स में ही करेंगे आईपीएल। तो नेहा राणा जी कह रही है पहाड़ी ब्रदर्स में ही करेंगे, देख लीजिए पोल आ चुका है हमारे पास, छोटा पहाड़ी पे बहुत कम लोगों ने कहा है, और पोल के हिसाब से कह रहे हैं पहाड़ी ब्रदर्स पे ही कर दो आईपीएल भी। तो ठीक है, आईपीएल भी आपका लाइव जाएगा थोड़ी देर में, इसी में, तब वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं आप आईपीएल के फैंस। अभी फुटबॉल को सपोर्ट कीजिए सारे के सारे मिलकर, तभी तो इंडिया फीफा में खेल पाएगा दोस्तों, तभी तो इंडिया फीफा में खेल पाएगा, वरना हम लोग कभी नहीं खेल पाएंगे फीफा, अगर आप लोगों ने भी अपना सपोर्ट हटा लिया तो। और यहाँ पे मैच की बात करें तो आर्मी ग्रीन के पास बॉल, आर्मी ग्रीन पे फिर से काउंटर बनाते हुए बेंगलुरु, आज तो बेंगलुरु भाई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, एक गोल मारने के बाद बहुत ही खतरनाक, फिर दो गोल के बाद तो इन्होंने रुद्र रूप धारण कर लिया है, और आर्मी ग्रीन के ऊपर धावे में धावे बोल रहे हैं कि आर्मी ग्रीन बचा पाएंगे गोल होने से। बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ, दो दो तीन तीन प्लेयर से ड्रिबल कर रहे हैं बेंगलुरु के प्लेयर, क्या बात है, देखते हैं क्या होता है। एक डिफेंस को काटा, दो डिफेंस को काटा, और ये क्रॉस बनाया मेरे भाई, क्रॉस बना दिया पर डिफेंस ने क्लियर कर दिया भाई, बहुत ही खतरनाक है इनके स्ट्राइकर्स, बेंगलुरु के स्ट्राइकर्स काफ़ी अच्छे हैं, देखते हैं क्या होता है। आर्मी ग्रीन का काउंटर बनता हुआ दिख रहा है, पासिंग अच्छी चल रही है आर्मी ग्रीन की, लेट्स सी क्या होता है। आर्मी ग्रीन का प्लेयर्स सारे बेहतरीन, फिर से काउंटर बनता हुआ, बहुत प्यारा काउंटर, 1-on-1 का मौका मिल सकता है, पर यहाँ गेम को बॉल को रोका गया, और फिर उसके बाद पासिंग ड्रिबल, और ये अटेम्प्ट करने की कोशिश पर ओवर द बार, हेड से अटेम्प्ट लिया पर ओवर द बार बॉल गई, और बहुत गुस्सा निराश होते हुए आर्मी ग्रीन के प्लेयर बहुत ज़्यादा गुस्से में। शुभम राणा को बाहर किया गया आर्मी ग्रीन की तरफ से, और दूसरा सब्स्टिट्यूट प्लेयर आए हैं, देखते हैं क्या वो कमाल दिखा पाएंगे। मैं बता दूँ इतनी गर्मी में हर कोई प्लेयर थक जाता है मेरे दोस्त, कंटिन्यूस खेलना मतलब एक तरह से आप एक प्लेयर को वो कर रहे हैं, प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। एयरप्लेन और चॉपर गोइंग आवाज़ आ रही है, दीप ओपी कह रहे हैं हाँ यार ये बड़ी दिक्कत है साला, हमारे यहाँ से बहुत प्लेन जाते हैं, हवाई अड्डे के आसपास ही रहते हैं हम लग रहा है। हाँ फुटबॉल दिखाओ, आईपीएल भी देखना बाद में, साथ साथ डबल स्ट्रीम हो जाएगी। ठीक है छोटा पहाड़ी ब्रदर्स, एक मैसेज छोटा पहाड़ी ब्रदर्स, फिर आप क्या करेंगे अगर आईपीएल भी इधर हो जाएगा तो आप क्या दिखाएंगे, जनता जवाब चाहती है। विश्वनाथ जी कह रहे हैं थापा इज गोइंग गुड, एयरप्लेन और चॉपर गोइंग आवाज़ आ रही है एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन जा रहा है। 50 लाइक कर दो, क्या बात है, 50 लाइक में सिर्फ चार 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 लाइक्स कम,
सब लोग आईपीएल की कमेंट्री का वेट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आईपीएल की कमेंट्री पहाड़ी ब्रदर्स जरूर दिखाएंगे, ओनली फॉर यू। हम लोग आईपीएल के सपोर्टर्स हैं बट क्रिकेट के उतने नहीं हैं, पर फिर भी जब टीम इंडिया खेलेगी T20 वर्ल्ड कप तो ज़रूर दिखाएंगे। और आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, वो भी आपको दिखाया जाएगा। दक्ष कुमार कह रहे हैं, छोटा पहाड़ी वी वांट आईपीएल। क्या बात है दक्ष कुमार जी, फैन होते हुए आईपीएल के। ब्लॉग गेमिंग शॉर्ट्स कह रहे हैं टेनिस, टेनिस भाई अभी 9 मिनट बचे हैं टेनिस को, जैसे ही 9 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे टेनिस दिखाया जाएगा। गेम पहुंच चुका है 61 मिनट के अंदर। गेम बहुत ही रोमांचक होता हुआ, कभी हेड मार के कभी किक करके, और ये चेस्ट ले लिया है बेंगलुरु ने, फिर से हेड पासिंग, क्या फास्ट पासिंग चल रही है, बहुत ही प्यारी पासिंग बनाते हुए बेंगलुरु एफसी। ये देखिए डी के अंदर फिर से घुस चुके हैं, आर्मी ग्रीन को क्लियर करनी होगी बॉल, पर मौका नहीं मिल रहा, और ये अटेम्प्ट लिया पर बॉल को क्लियर कर दिया गया आर्मी ग्रीन, ग्रीन के प्लेयर ने स्लाइड टेकर, जो कि बहुत एक रिस्की मौका था। येलो कार्ड मिल चुका है, येलो कार्ड मिल चुका है। लेट्स सी क्या होता है मेरे भाइयों, कॉर्नर मिल रहा है, कॉर्नर मिल रहा है। वर्ल्ड T20 का गाना मस्त है, सुने पहाड़ी भाई, ठीक है जरूर सुनेंगे, लिरिक्स बता दीजिए। टुडू रूसी का ऑफिशियल BFC बेंगलुरु FC के फैंस वापस आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सारी फुटबॉल से रिलेटेड अपडेट वीडियोज आपको इसी चैनल में मिल जाएंगी, चाहे वो दुरंत कप हो या फिर संतोष ट्रॉफी खेल रहे हो या फिर आपको देखना है ISL, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। पहाड़ी ब्रदर्स आपकी कमेंट्री करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कमेंट्री करेंगे, आपको बताएंगे कैसा गेम चल रहा है अभी। यहाँ हेड टू हेड गेम चल रहा है बेंगलुरु FC वर्सेस आपकी प्यारी टीम आर्मी ग्रीन, और 2-1 का स्कोर है। अभी भी आर्मी ग्रीन के पास एक मौका है, मौका है। लेट्स सी क्या होता है मेरे भाइयों, आर्मी ग्रीन प्लेयर्स अभी मैच में पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, दुखी मत होइए आर्मी ग्रीन के फैंस। आपको बता दूं, अभी सिक्का किसी का भी चमक सकता है, एक और गोल पड़ गया तो मज़े ही मज़े, अभी पूरा गेम बचा हुआ है यार, पूरा गेम बचा है। बेंगलुरु के प्लेयर ने गेम चला रहे हैं पीछे, बैक पासेस खेल खेल के, पोजीशन उनके पास काफ़ी देर से बॉल है, और ये लॉन्ग शॉट खेला और वन ऑन वन का मौका बन चुका था, और ये दाग दिया बेंगलुरु के प्लेयर ने गोल, बहुत प्यारा गोल, पर ऑफ साइड दी गई इसे। साफ ऑफ साइड एक्चुअली क्या था कि वहाँ बेंगलुरु के 3 प्लेयर ऑफ साइड में थे और एक गए और उन्होंने 1-on-1 में गोल मार दिया, पर ये गोल माना नहीं जाएगा, ऑफ साइड दे दी गई। चिंता मत करिए आर्मी ग्रीन के पास अब भी मौका है। लाइव द गेम नेम है, लिव द गेम है सॉन्ग का, एक बार सुनो अभी बताओ कैसा है प्लीज़। अर्चना सिंह जी, अभी मैं मैच की कमेंट्री कर रहा हूँ, पर मैच की कमेंट्री के बाद नेक्स्ट स्ट्रीम में ज़रूर बताऊँगा कैसा लगा, आप मुझसे अगली बार पूछ लेना, अभी मैच पे फोकस करते हैं। टुडू रूसी का ऑफिशियल, कमऑन BFC करते हुए, टुडू भाई कैसे हैं आप, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग फुटबॉल की दिन रात अपडेट ला रहे हैं भाई आप ही के लिए। अभी इसके बाद सेमीफाइनल्स के मैचेस होंगे 27 तारीख को, तब तक बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ। आदिति अशोक का भी मैच है, चल रहा है, चेक करो एक बार, ब्रेक है अभी मेरे भाई, ब्रेक नहीं चल रहा, मैच चल रहा है, मैच शुरू हो चुका है, देख के आता हूँ मैं, तब तक बीच बीच में देख के आता हूँ अशोक दीदी का अगर कोई मैच चल रहा है तो। भाई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो पूरी इन्फॉर्मेशन दे दो यार, अदिति अशोक का कौन सा, मतलब कौन सी साइट पे दे रहे हैं आप, सारी चीज़ें बता दो तो मज़ा आ जाए, ताकि मैं एक क्लिक में वहाँ पहुँच जाऊँ। यहाँ पे देखिए बेंगलुरु FC, यहाँ देखिए बेंगलुरु FC 2-1 के स्कोर से जीते हुए। यहाँ पे गेम बहुत ही प्यारा चलता हुआ,
विशाल भाई टीम में चेंज किए क्या आप? वीसी चेंज करो भाई, वो टीम में नहीं है। पहाड़ी भाई गाना सुनो भाई, कमेंट्री करो। ओके ब्रदर, आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं मेरे दोस्त, कभी ये दिखाओ कभी वो दिखाओ, पहले फुटबॉल को सपोर्ट कर लेते हैं मेरे भाई, फिर बाकी चीज़ें मैं आपके लिए स्क्रीन पे ले आऊँगा। बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ। दक्ष कुमार जी, आप आईपीएल भी देखना चाहते हैं, आपको दिखा देंगे मेरे भाई। अदिति अशोक का भी मैच देखना चाहते हैं, आप एक साथ सारी चीज़ें देख लेंगे क्या मेरे दोस्त? थोड़ा एक को तो सपोर्ट, रुको तो सही मेरे दोस्त, थोड़ा ठहरो, रुको एक गेम पे रुको, समझो उस गेम को मेरे भाई, क्या बारीकी से गेम चल रहा है, कितनी मेहनत चल रही है। आप अगर हर जगह हाथ मारेंगे तो आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, हम लोगों को दिखाने में कोई फर्क मतलब वो नहीं है नुकसान। आप लोग जितनी देर हमारे साथ बैठे रहोगे भाई, हमें कोई नुकसान नहीं है, हम आपको दिखा देंगे, पर एक गेम को तो सपोर्ट करो। अदिति अशोक को भी सपोर्ट करेंगे, चिंता मत करो, पर पहले यहाँ पे 11 बंदे इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको भी तो सपोर्ट कर लो मेरे दोस्त। फुटबॉल ऑलरेडी फीफा में सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, अदिति अशोक तो ऑलरेडी खेल के भी आ चुकी है पैरालंपिक्स, सॉरी ओलंपिक्स, मुंह से मेरे हमेशा पैरालंपिक्स ही निकलता है यार। टूडू रूसी का ऑफिशियल हर टच पे कमेंट्री करते हैं मेरे दोस्त, हर टच पे करते हैं। रुक जाओ थोड़ा, अभी गेम के अंदर माहौल ऐसा चल रहा है कि रेफरी ने बोला है कि बॉल को दो आर्मी ग्रीन को, और ये बेंगलुरु, बेंगलुरु के पास फिर से बॉल आ चुकी है, बॉल आ चुकी है मेरे भाई, आर्मी ग्रीन ने पास किया बहुत प्यारा, आर्मी ग्रीन के पास बॉल, आर्मी ग्रीन शॉर्ट पासेस करते हुए आगे बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, लेट्स सी क्या होता है मेरे भाई। बहुत ही रोमांचक गेम, आर्मी ग्रीन शॉर्ट पासेस करते हुए आगे बढ़ रही है, और देखते हैं क्या ये काउंटर अटैक में बदलेगा। और ये लॉन्ग शॉट मारा, और ये बहुत प्यारा निकाला भाई, बहुत प्यारा निकाला, और ये अटेम्प्ट, और ये बॉल, बॉल बचा, बेंगलुरु के डिफेंस ने बाहर कर दी, बहुत प्यारा अटेम्प्ट था भाई, बहुत प्यारा अटेम्प्ट। ये देखिए बेंगलुरु के प्लेयर आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, गेम रोमांचक होता हुआ। आर्मी ग्रीन के डिफेंडर के पास बॉल पहुंच चुकी है, ये बहुत प्यारा पास निकाला, डिफेंस के पास से दूर हो गई थी, अटेम्प्ट लिया, कीपर ने हाथ से रोका, और बेंगलुरु प्लेयर ने क्लियर कर दिया, डिफेंस ने क्लियर कर दिया भाई, बहुत ही प्यारा मौका था, बहुत ही प्यारा मौका जो गंवा चुके आर्मी ग्रीन। और ये लॉन्ग शॉट खेला, ओवर द बार गई बॉल, आर्मी ग्रीन ने एक लॉन्ग शॉट खेला और सोचा कि गोल हो जाएगा, बट ओवर द बॉल गई, लेट्स सी क्या होता है मेरे दोस्तों। मैच बहुत ही रोमांचक, एक गोल पड़ते ही गेम ड्रॉ हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, अगर आर्मी ग्रीन ने एक गोल मार दिया। टूडू रसी का ऑफिशियल फैन है फुटबॉल के मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब किया है आपने, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोगों का कोई चीज़ ना एक भी पैसा जाएगा सब्सक्राइब करने में, बस आपको अपडेट मिलती रहेगी, फुटबॉल दुरंत कप से रिलेटेड सारी मिल जाएंगी, बाकी हर एक स्पोर्ट्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, एक मिनट के अंदर हमारी सानिया मिर्जा जी का भी मैच शुरू होने वाला है, तो मैं एक बार स्क्रीन अपडेट कर देता हूँ, आप लोग मानोगे नहीं यार, पर ठीक है कोई नहीं। तो ये देखिए, आपको गेम के बारे में अपडेट दे देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे भाइयों, आपके लिए हमने हर चीज़ हर मुमकिन कोशिश कर दी है, मैच जैसे ही शुरू होता है आपको बताया जाएगा।
स्क्रीन रिफ्रेश कर चुके हैं और यहाँ पे 71 मिनट के अंदर बेंगलुरु एफसी वर्सेस आर्मी ग्रीन। तो जय हिंद जय भारत लिख के एक बार दोनों ही टीमों को सपोर्ट कीजिए। तो देख लीजिए आपके लिए स्क्रीन अपडेट कर चुके हैं और सब कुछ करने की पूरी कोशिश की है। जो टेनिस के फैन है वो टेनिस देख सकते हैं। सेमीफाइनल चल रहा है, सेमीफाइनल चल रहा है, स्कोर मैंने अपडेट कर दिया है। अब मैं फुटबॉल की कमेंट्री करने जा रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से, फुटबॉल की कमेंट्री ध्यान से सुन लीजिए। थोड़ा सब्र करें मेरे भाइयों, यहाँ पे आर्मी ग्रीन के पास बॉल है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है इसलिए गेम रुका हुआ है। जो लोग परेशान हो रहे हैं कि कमेंट्री क्यों नहीं हो रही, क्योंकि सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो थोड़ा गेम रुका हुआ है। यहाँ आर्मी ग्रीन के प्लेयर ने बॉल लंबा शूट लेके बहुत प्यारा डी के अंदर बॉल पहुँच चुकी है और यहाँ कीपर वर्सेस प्लेयर्स हो चुका है, बहुत ही प्यारा मैच। और ये लॉन्ग शॉट खेला और ये गोल ओवर द बार, ओवर द बॉल बार चला गया। बाइसाइकिल किक मारने की कोशिश की बिना हवा में उड़े, तो आर्मी ग्रीन के प्लेयर ने काफ़ी अच्छा ट्राई लिया बट वो गोल नहीं हो पाया, गोल में कन्वर्ट नहीं हो पाया मेरे दोस्त। आर्मी ग्रीन सचमुच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है एक गोल के लिए। अब सिर्फ गेम रह गया है 18 मिनट का, 18 मिनट का सेकंड हाफ बचा रह गया है और इस गेम में तो मेरे हिसाब से इंजरी भी कम हुई है, तो शायद एक्स्ट्रा टाइम 2 मिनट का ही मिले। जय हिंद जय भारत लिख के सपोर्ट कीजिए टीम इंडिया को। टीम इंडिया मतलब हर एक प्लेयर हमारी टीम से ही है यार, इंडिया के हैं सारे के सारे, कुछ ही प्लेयर हैं जो फॉरेन के हैं। तो सपोर्ट कीजिए भाई दोनों ही टीमों को, आर्मी ग्रीन को और बेंगलुरु एफसी को। मैच यहाँ पे बहुत ही रोमांचक होता हुआ, अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बेंगलुरु एफसी का कॉर्नर मिलता हुआ, बेंगलुरु एफसी को कॉर्नर मिल गया और यहाँ पे बॉल ड्रिबल करते हुए एक बेंगलुरु एफसी के प्लेयर ने पास किया, डी के ऊपर बॉल उड़ा दी, देखते हैं क्या होता है। स्ट्राइकर के पास पहुँच चुकी है बेंगलुरु के स्ट्राइकर के पास, स्ट्राइकर ने पास किया पीछे और ये बॉल फिर से और पीछे कर दिया ताकि गेम खुले, और देखते हैं क्या होता है, गेम खुल के गोल होता है या नहीं। तो वन ऑन वन की सिचुएशन बनते हुए और ये एक और गोल दाग दिया बेंगलुरु एफसी ने, बेंगलुरु एफसी ने एक और गोल दाग दिया और ये ऑफसाइड नहीं है मेरे दोस्तों, ऑफसाइड नहीं है, सीधा गोल है। 25 नंबर प्लेयर, आपको नाम भी बताएंगे, टी शर्ट पर नाम नहीं है इसलिए अभी थोड़ी देर में जैसे ही अपडेट आएगा तो आपको बताता हूँ किसने गोल मारा है। बहुत ही प्यारा गोल, बहुत ही प्यारा गोल, 25 नंबर ही ने मारा है मेरे भाई बेंगलुरु एफसी। और अब आर्मी ग्रीन के चांसेस और कम होते हुए, और ज़्यादा कम होते हुए और निराश होते हुए हमारी प्यारी आर्मी ग्रीन, ये देखिए ये देखिए, ये ऑफसाइड नहीं था, ये प्रॉपर गोल था, प्रॉपर गोल था। एक बहुत 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 प्यारा गोल, बिल्कुल टॉप लेफ्ट, टॉप नहीं बिल्कुल बॉटम लेफ्ट बार पे मारा है, बिल्कुल क्रॉस में, कीपर अनजान था। नमग्याल भूटिया जी ने मारा है गोल, गोल स्कोर्ड बाय नमग्याल भूटिया जी, नमग्याल भूटिया जी ने गोल मारा है बेंगलुरु एफसी के लिए। नाम सुन लीजिए नमग्याल, सब लोग आग लगा दीजिए बेंगलुरु एफसी के फैंस, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो नमग्याल भूटिया जी एक बार लिख दीजिए, गो 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 दिल मांगे मोर, एक बार लिख दीजिए नमग्याल भूटिया जी। नमग्याल, नमग्याल भूटिया जी, तो यहाँ देखिए फुटबॉल के फैंस, नमग्याल भूटिया जी बेंगलुरु एफसी के बहुत ही खतरनाक प्लेयर, उन्होंने गोल मार चुका है, उन्होंने गोल मार चुका है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, उन्होंने गोल मार चुका है। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत मेरे सारे के सारे दोस्तों। आज का गोल, तीसरा गोल नमग्याल भूटिया जी ने, और ये गेम फिर से शुरू हो चुका है रोमांचक बनते हुए। यहाँ पे फिर से पासेस चल रहे हैं बेंगलुरु एफसी के प्लेयर्स के बीच में और लॉन्ग पासेस खेला गया बहुत प्यारा। यहाँ आर्मी के प्लेयर का डिफेंस बहुत अच्छा, पर वन ऑन वन की सिचुएशन बन चुकी है, डी के अंदर पहुँच चुके हैं, डी के अंदर फिर से पहुँच चुके हैं, एक हाईलाइट दिखाई गई और देखते हैं क्या होता है। फिर से वो जो अटैक था वो निस्तानुभूत कर दिया आपके आर्मी के प्लेयर ने, हिमांशु नेगी जी, भूटिया भाई ने गोल मार दिया, भूटिया भाई ने गोल मार दिया, नमग्याल भूटिया जी ने अपना तीसरा गोल मार दिया। अपडेट हो जाएगा स्क्रीन पे, स्क्रीन कार्ड आज काफ़ी स्लो चल रहा है, भाई जी को भी रेस्ट चाहिए लग रहा है।
तो यहाँ एक प्लेयर को इंजरी हो गई है मेरे भाइयों, बहुत ज़्यादा 27 नंबर के एक प्लेयर, उनको इंजरी हो गई है डी के अंदर। एक प्लेयर के लिए स्ट्रेचर आ रहा है भाई, कुछ बड़ा हुआ है आज। थोड़ा सब्र रखे, मैं देखता हूँ क्या हो गया, देख कर आता हूँ क्या हो गया। एक्सेलेंट मूव था यार, एक्सेलेंट फिनिश किया हमारे प्यारे भूटिया जी ने। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे हमारे प्यारे दोस्त एक इंजर्ड हो चुके हैं, बेंगलुरु एफसी की प्लेयर, स्ट्रेचर पे लेके गए उन्हें। सेवेंटी सेवन मिनट्स के अंदर 13 मिनट का मैच रह गया, 13 मिनट का मैच रह गया है। जय हिंद जय भारत लिख के सपोर्ट कीजिए। आज फाइनल मैच है आज का, स्कोर अपडेट हो जाएगा मेरे दोस्त, स्क्रीन कार्ड थोड़ा स्लो चल रहा है, मैं ऑलरेडी स्कोर अपडेट कर चुका हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। आज हमारे स्कोर कार्ड्स बड़े स्लो चल रहे हैं, क्या दिक्कत है? स्कोर 3-1 हो चुका है भाई, मैंने अपडेटेड स्कोर लगा लिया है। ठीक है गाइस, 3-1 स्कोर हो चुका है, मैं आपको बता देता हूँ। बेंगलुरु ने मारे हैं 3 गोल, आर्मी ग्रीन ने 1 गोल। और अभी गेम के बारे में बात करें तो यहाँ पे आर्मी ग्रीन काउंटर बनाते हुए आगे बढ़ते हुए बहुत ही स्पीड से हाफ लाइन क्रॉस कर चुके हैं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, और ये फ्लिक करके मार दिया बेंगलुरु के डिफेंडर ने बॉल को। फिर से आगे बढ़ते हुए एक दूसरे प्लेयर आर्मी ग्रीन के 11 नंबरी, और देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हुए बहुत प्यारा, यहाँ बेंगलुरु के प्लेयर गिर गए ज़मीन पे, डिफेंस करते हुए इंजर्ड हो गए लग रहा है। बेंगलुरु एफसी आगे बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे कोई प्लेयर गिरा था, उसके बारे में देख रहे हैं क्या हो रहा है। यहाँ मेडिकल हेल्प की, एक और प्लेयर को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत। दोनों के नीज टकराए थे दोनों ही प्लेयर के, और एक प्लेयर ज़मीन में गिर चुके हैं। एक और स्ट्रेचर आ गया, और शिट यार, एक और स्ट्रेचर आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है यार, दोनों टीमें जीत भी जाएंगी, उसके बाद भी उनके जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उनको दिक्कतें हो जाएंगी यार। स्ट्रेचर आ गया एकदम से, अरे भाई कह रहा है स्ट्रेचर की जरूरत नहीं है। मिंट से पहले स्ट्रेचर ले आए। भाई यार देखने वाला मूवमेंट था, उनको इंजरी हुई है पर इतनी भी सीरियस नहीं थी कि उठ के ना आ पाए, तो उन्होंने बोला स्ट्रेचर की लाने की जरूरत नहीं यार, चल के जा सकता हूँ। इंजरी है पर ठीक ठाक है, स्ट्रेचर की जरूरत नहीं पड़ी। चलो भाई, एटीट्यूड मुझे बड़ा प्यारा लगा, स्माइल के साथ बोला भाई स्ट्रेचर मत लाओ यार, इतनी बड़ी इंजरी नहीं है, घुटने से घुटने टकराया और इंजरी हो गई थी। पर गेम फिर से शुरू हो गया, बेंगलुरु के प्लेयर आगे बढ़ते हुए, बहुत ही बेहतरीन गेम चल रहा है। और यहाँ आर्मी ग्रीन के प्लेयर्स को चकमा देते हुए डिफेंस को चकमा दे रहे हैं, और ये फ्लिक करने की कोशिश, बट आर्मी ग्रीन के प्लेयर ने हेड मार के बॉल को आगे कर दिया। फिर से बॉल हमारे बेंगलुरु के पास, बेंगलुरु ने शूट लेके क्रॉस बनाया था बहुत प्यारा डी के अंदर, बट आर्मी ग्रीन के डिफेंडर ने बचा लिया क्लियर करके।
और यहाँ पे थ्रो इन मिलता हुआ, बाहर कर दिया बॉल को, थ्रो इन मिला है बेंगलुरु को। गेम शुरू हो चुका है, आर्मी ग्रीन के पोजीशन पे आ चुकी है बॉल, और ये देखिए आर्मी ग्रीन पासिंग कर रही है बहुत ही बेहतरीन। नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा सानिया मिर्ज़ा जी का मैच, आज फाइनल खेला जाएगा, सेमीफाइनल का मैच है मेरे भाई, सेमीफाइनल्स का मैच है, आपको बता दूँ पहले ही सेमीफाइनल्स का मैच है, कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, टेनिस का मैच आज खेला जा रहा है सेट वन, देख लीजिए। और आपको बता दूँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ स्कोर 3-1 हो चुका है, तो इसकी स्कोर की आज की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है 3-1 का स्कोर चल रहा है मेरे भाइयों, 3-1 का स्कोर। और यहाँ पे एक और प्लेयर का इंजरी, क्या हो रहा है भाई आज के मैच में, प्लेयर पे प्लेयर इंजर्ड हो रहे हैं बेंगलुरु के सारे, अगर ये मैच हार ही गए तो फिर कैसे चलेगा, मतलब अगर अगर आज का मैच जीत भी जाते हैं और सारे प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। बेंगलुरु को अगला मैच FC गोवा के साथ खेलना होगा, मैं आपको बता दूँ, उनको फिट रहना होगा किसी भी हालत में, ये क्वार्टर फाइनल्स का आखिरी मैच है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, पहले ही बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है मेरे भाई, इनसे पता चलेगा आर्मी ग्रीन पहुंच पाएगी या फिर हमारी हमारी प्यारी बेंगलुरु FC। तो लेट्स सी क्या होता है, काफ़ी प्लेयर्स इंजर्ड हो चुके हैं और क्या पता अब इनकी जगह सब्स्टिट्यूट आए नए नए प्लेयर, और अब आर्मी ग्रीन धावा बोल सकती है, कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्तों, बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ। यहाँ पे मैच बहुत ही रोमांचक होने की कगार पे, आर्मी ग्रीन के प्लेयर ने धक्का दिया और फिर जमीन पे गिर गए, आर्मी ग्रीन के प्लेयर ने पहले धक्का दिया, फिर बेंगलुरु के प्लेयर ने, फिर दोनों गिर गए और बॉल बाहर कर दी गई, फिर आर्मी के जो प्लेयर हैं उन्होंने थ्रो इन लेके गेम को शुरू किया और मैच बहुत ही रोमांचक होता हुआ आगे बढ़ता हुआ। अरे यार एक ठुमका मार दिया बेंगलुरु के प्लेयर ने आर्मी ग्रीन के प्लेयर को, मतलब हेप से धक्का दिया, इसको एक तरह से बॉडी कवर भी बोलते हैं मेरे भाई, ठुमका नहीं ठीक है फुटबॉल में, नो ठुमका, बॉडी कवर दिया बॉल को, और बहुत प्यारा गेम चलता हुआ। नीचे आप लोग देख सकते हो सेट वन किसके पास है, स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो देखिए पहला स्कोर सानिया मिर्जा जी ने ले लिया, पहला स्कोर सानिया मिर्जा जी ने ले लिया, पहला स्कोर सानिया मिर्जा जी ने ले लिया है। और यहाँ पे 83 मिनट के अंदर फुटबॉल भी चल रहा है मेरे भाई, फुटबॉल भी चल रहा है, आपको बता दूँ बहुत ही प्यारा मैच, बहुत ही प्यारा मैच, टीम इंडिया क्या कह रहा हूँ मैं, आर्मी ग्रीन बहुत ही तेज भागते हुए आगे की तरफ, देखते हैं इस गोल को कन्वर्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए काउंटर अटैक बन चुका है, काउंटर अटैक बन चुका है, ये फेक और ये, ओ यार आज आर्मी ग्रीन क्या कर रहा है यार, बहुत प्यारा गोल हो सकता था, ये बहुत प्यारा गोल हो सकता था, पर बाहर से थोड़ा ही 15-20 इंच लगा लीजिए, इतना फर्क होगा, बहुत प्यारा शूट अटैम्प्ट, बहुत अच्छा गोल, बिल्कुल कॉर्नर साइड में, पर नहीं हो पाया, आर्मी ग्रीन के प्लेयर निराश होते हुए, अब देखते हैं कीपर क्या करता है। गेम शुरू कर दिया मेरे भाई, गेम शुरू कर दिया है, बहुत ही प्यारा गेम, बेंगलुरु के डिफेंडर्स भी अब काटने की कोशिश करते हुए, और यह आर्मी ग्रीन के पास बॉल आ चुकी है और देखते हैं क्या होता है, ये गोल कहीं कन्वर्ट ना हो जाए, और यहाँ पे बहुत प्यारी ड्रिबलिंग करते हुए यहाँ पे हमारे आर्मी ग्रीन के एक प्लेयर, 1-on-1 का गेम चल रहा है और ये क्रॉस बनाया पर ये पहुँच चुके हैं पहले ही हमारे बेंगलुरु के प्लेयर, और यहाँ बेंगलुरु के प्लेयर काउंटर अटैक बनाते हुए आर्मी ग्रीन पे, देखते हैं क्या होता है, बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी सवर जाएगी, 50 लाइक हो गए, धन्यवाद 50 लाइक हो गए। टेनिस ऊपर करो भाई, टेनिस ऑलरेडी ऊपर है, आदित्य नारायण जी कह रहे हैं टेनिस ऊपर करो, कनक सरकार सानिया मिर्जा का मैच स्टार्ट हो गया है, देख लीजिए भाई सानिया मिर्जा जी का मैच भी शुरू हो चुका है। टूडू इंजरी कौन हुआ, इंजरी भाई एक प्लेयर थे 27 नंबरी, उनको इंजर्ड किया गया, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सब्र कीजिए। अजीत कुमार जो है, अजीत कुमार का क्लैश हुआ दीप
मजुमदार के साथ। अजीत सिंह, अजीत कुमार जो है कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है, बट फिर भी उनके पैरों में, घुटनों में थोड़ा चोट आया, जिसकी वजह से वो गेम में 100% नहीं दे सकते, इसलिए वो आउट हो गए, मतलब बाहर चले गए। तो आपको बता दूं, गेम चल रहा है बेंगलुरु एफसी के पास बॉल, और पासिंग पासिंग खेल रहे हैं ताकि 86 मिनट्स के अंदर जो गेम चल रहा है उसको बरकरार रखें। आर्मी ग्रीन के प्लेयर को थकाने की कोशिश हो रही है, आर्मी ग्रीन एक मौका ढूंढ रहा है, आर्मी ग्रीन एक मौका ढूंढ रहा है ताकि हम लोग कुछ बड़ा कर सकें। जय हिंद जय भारत। थ्री वन का स्कोर यहाँ पे हमारे व्यूअर्स कम होते हुए, हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा कम हो गए। आर्मी ग्रीन के डिफेंडर ने बॉल बाल बाल बचाई, पीछे ही चल रहे हैं, पीछे ही चल रहे हैं। बहुत ही प्यारा मूव खेला, बहुत ही प्यारा मूव आर्मी आर्मी ग्रीन के द्वारा, और हेड मार के बॉल को, अरे वाह, अरे भाई साहब, पेनल्टी मिल सकती है, शायद पेनल्टी मिल सकती है, लेट्स सी क्या होता है। पेनल्टी मिल सकती है मेरे दोस्तों, पेनल्टी मिल सकती है। यार इसमें मुझे गलती तो नहीं लग रही आर्मी ग्रीन की, मतलब बेंगलुरु की, बेंगलुरु की गलती तो नहीं लग रही, क्योंकि दोनों ने ही प्लेयर्स ने क्लैश हुए हैं, एक ने बॉल पे पैर रखने की कोशिश की, दूसरे ने आके बॉल को क्लियर किया। अब देखते हैं क्या होता है, पेनल्टी मिलती है नहीं। दोनों का गेम बहुत ही बेहतरीन, स्क्रीन में आपको सब कुछ दिख रहा है ना, अगर नहीं दिख पा रहा तो मुझे बता दीजिए। कनक सरकार जी, स्क्रीन में दिख रहा है ना, स्क्रीन में सब कुछ दिख रहा है या फिर कुछ और बताऊं। 50 लाइक हो गए यार, क्या बात है, 50 लाइक हो गए, धन्यवाद भाई, सभी को शुक्रिया, धन्यवाद 50 लाइक करने के लिए। मैच फिर से शुरू हो चुका है, मैच फिर से शुरू हो चुका है, ये लीजिए पेनल्टी मिल चुकी है, आर्मी ग्रीन के फैंस खुश हो जाइए, पेनल्टी मिल चुकी है, पेनल्टी मिल चुकी है, फिर से आ चुके हैं हमारे प्लेयर पेनल्टी लेने। जय हिंद जय भारत लिख के सपोर्ट कीजिए। देखिए फिर से पेनल्टी दे दी यार, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं, पर यार हर एंगल से तो हमारी जो अड्डा टाइम्स है वो वाले भी नहीं दिखा रहे, पर कोई नहीं, अभी पेनल्टी मिली आर्मी ग्रीन को, और ये गोल, आर्मी ग्रीन ने एक गोल मार दिया मेरे भाई, 3-2 का स्कोर, बहुत ही रोमांचक, ये होता है भाई, ये हो रहा है कोई क्वार्टर फाइनल का मैच, इसे कहते हैं। स्कोर 3-2 का चल रहा है मेरे दोस्तों, 3-2 का, 3-2 आर्मी ग्रीन ने दो गोल मारे, वो भी पेनल्टी में। अब किसी भी तरह किसी भी हालत में उन्हें एक गोल मारना होगा ताकि बराबरी का गेम हो सके। बहुत प्यारा गोल, ग्राउंडेड गोल था ये, और उनके उनके लेफ्ट लेफ्ट साइड में मारा, बिल्कुल पोल से टच होके अंदर, मतलब पोल को टच नहीं किया पर फिर भी बहुत पास था, और ये गोल हो चुका है, 3-2 का स्कोर, थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा। 89 मिनट्स के अंदर एक और गोल उन्हें ताकना होगा, आर्मी ग्रीन के अंदर जोश बढ़ता हुआ, और चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें इस गेम को जीतने के लिए एक और गोल मारना होगा हर हालत में। बेंगलुरु एफसी के पास बॉल, और ये आर्मी ग्रीन के प्लेयर आगे बढ़ते हुए, और ये आर्मी ग्रीन के प्लेयर ने बॉल छीन ली, और ये देखिए, और ये कुछ सी भी हालत में कोशिश कर रहे हैं कि एक गोल कहीं से मिल जाए, एक गोल कहीं से मिल जाए। मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी एक दो प्लेयर इंजर्ड हो चुके हैं बेंगलुरु एफसी के, और अब आर्मी ग्रीन को किसी भी हालत में गोल मारना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर जीतना चाहती है आर्मी ग्रीन तो एक गोल चाहिए मेरे भाइयों, एक गोल चाहिए, सपोर्ट कीजिए दोनों ही टीमों को, बेंगलुरु को और आर्मी ग्रीन को। आर्मी ग्रीन को देखिए क्या ये इस मैच में एक गोल मार पाएगी, और अगर नहीं तो बेंगलुरु एफसी क्या एक और गोल ताक पाएगी। यहाँ पे मैच फिर से शुरू होता हुआ, बेंगलुरु एफसी की प्लेयर्स देखिए, बहुत ही प्यारा मैच, अरे क्या किया है आर्मी के प्लेयर ने, अरे भाई बहुत ही ऊंचा उड़ा दिया। आपको बता दूं 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिला है, 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम। बात करें सानिया मिर्ज़ा के मैच की और हमारे टेनिस के मैच की जो कि खेला जा रहा है ऑस्ट्रावा में, ज़ेक रिपब्लिक कंट्री में खेला जा रहा है ये गेम, सेमीफाइनल चल रहा है इस ओपन टूर्नामेंट का।
और उसमें जो स्कोर है 3-0 का चल रहा है, हमारी बढ़त ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं पहले सेट को। बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ, टेनिस से रिलेटेड भी अपडेट मिल रही है साइड बाई साइड, फुटबॉल से भी। तो जितने लोग जुड़े हैं मैं आपको बता दूं आज का मैच बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ये देखिए आर्मी ग्रीन के पास बॉल, बॉल आर्मी ग्रीन के पास, और ये क्या एक और गोल मार पाएंगे? बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ। और ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। मुझे लग रहा है कहीं पेनल्टी ना दे दे, फिर से पेनल्टी ना मिल जाए यार, कुछ तो गड़बड़ हो। ये मेडिकल अटेंशन मांग ली उनके शिन में, शायद शिन में बहुत ज्यादा जोर से लगी है। स्ट्रेचर की जरूरत पड़ गई है, स्ट्रेचर की जरूरत पड़ गई है भाई, स्ट्रेचर की जरूरत पड़ गई है। पैर पैर उल्टा तो नहीं हो गया ऐसा लग रहा है भाई, ये अड्डा टाइम्स वाले कैसे दिखा रहे हैं? नहीं नहीं पैर सीधा है, पैर सीधा है और खड़े हो गए, खड़े तो हो गए, मुझे लगा पैर उल्टा हो गया। अरे चालाकी। खेलेंगे भाई खेलेंगे खेलेंगे, गिर गए ऐसे ही दिखाने के लिए, शायद खड़े उठ के खेलने चले गए वापस। थोड़ा तो करना पड़ता है ताकि पेनल्टी ना मिल जाए। बाल बाल बचे भाई, वरना एक और पेनल्टी मिल जाती आर्मी ग्रीन को। गिरे बेंगलुरु के प्लेयर थे। अरे बहुत प्यारा गेम होते हुए बेंगलुरु एफसी के पास 3 पॉइंट की लीड, और 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम चल रहा है जिसमें 92 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। मैच खत्म होना बस थोड़ी ही दूरी पे, और ये बता दूं बहुत ही प्यारा मैच चल रहा है सानिया मिर्जा जी का टेनिस का। 4 पॉइंट्स वो ऑलरेडी ले चुके हैं सेट में, और अगर 2 पॉइंट और ले लिए तो पहला सेट इनके हाथों में होगा। जय हिंद जय भारत। परसेंटेज ज़्यादा है कि आज टीम इंडिया जीते। तो बात करें हम आर्मी ग्रीन की, आर्मी ग्रीन आगे बढ़ता जा रहा है मेरे भाइयों, आर्मी ग्रीन बहुत आगे बढ़ता जा रहा है इस गेम के अंदर। देखते हैं हमारे भाई लोग क्या कह रहे हैं, भाई लोग जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, 19 लोग जुड़े हैं। कम ऑन आर्मी, ज़रूर भाई ज़रूर आर्मी जीत सकती है, बस एक एक गोल और चाहिए, एक गोल मिल जाए तो पहाड़ी, इस पहाड़ी आर्मी कह रहा हूँ, आर्मी ग्रीन जीत सकती है। यहाँ आर्मी ग्रीन ने थ्रो इन लिया है, थ्रो इन लिया है, और ये थ्रो इन ऐसा लिया कि भाई फिर से थ्रो की ज़रूरत पड़ गई। कोई नहीं कोई नहीं, आर्मी ग्रीन आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। बहुत कम समय रह गया है, सिर्फ सिर्फ भाई घड़ी 94 मिनट्स के अंदर गेम चल रहा है मेरे भाइयों, 94 मिनट्स के अंदर। आदित्य नारायण कह रहे हैं स्ट्रेचर मैच चल रहा है, हाँ भाई मिनट से पहले स्ट्रेचर ला रहे हैं, देखने को तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतनी केयर हमारे प्लेयर्स की, पर जरूरत नहीं पड़ रही प्लेयर्स को, 2-3 बार स्ट्रेचर तो लिया है। पर आर्मी ग्रीन के पास सिर्फ 30 सेकेंड है, इस 30 सेकेंड में अगर गोल कन्वर्ट कर दिया तो भाई कुछ हो सकता है। यहाँ यहाँ पे रोक दिया गया गेम को, एक फ्री किक मिलेगी। ये पासिंग चल रही है आर्मी ग्रीन की, और 95 मिनट्स से भी ऊपर जा चुके हैं यार, ऐसे कैसे? चलो कोई नहीं, एक्स्ट्रा टाइम दे रखा है, आउट होते ही गेम अप, गेम अप नहीं हुआ जबकि 95 मिनट्स हो चुके हैं मेरे भाई, तब भी गेम ओवर नहीं हुआ। शायद एक मौका दिया जा रहा है, लेट्स सी क्या होता है। गेम बहुत ही रोमांचक होता हुआ, ये बॉल क्लियर कर दी और गेम गेम खत्म, गेम खत्म दे दिया है मेरे भाई, गेम खत्म दे दिया है। गाइस गेम फिनिश हो चुका है यार। मुझे एक बात देख के मतलब हैरानी हो रही है कि ये लोग खुशियाँ क्यों नहीं मना रहे, अभी शायद गेम ख़त्म नहीं हो रहा है। वही मैं सोचूँ यार, सेमीफाइनल्स के अंदर जा रहे हैं, टीम खुशियाँ क्यों नहीं मना रही? रेफरी ने अभी गेम ख़त्म नहीं किया, 96 मिनट से ऊपर हो चुके हैं जबकि 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था। सबको बता दूँ 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, उसके बाद भी मेरे भाइयों
उसके बाद भी अभी गेम चल रहा है। 96 मिनट्स 29 सेकंड्स में आप लोग मैच देख रहे हैं, 5 मिनट से ज़्यादा ऊपर चल रहा है ये गेम। बहुत ही रोमांचक मैच होता हुआ, एक सेकंड वेट करिए यार। तो देखिए देखिए यहाँ पे जो मैच चल रहा है बहुत ही रोमांचक, कीपर अपने ही आसपास बॉल को रोटेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। टाइम वेस्ट करने की पूरी कोशिश चल रही है यहाँ पे। BFC जीतने के भाई पूरे आसार लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा सा वेस्ट किया जा रहा है, टाइमिंग को किल किया जा रहा है BFC द्वारा। और ये देखिए लॉन्ग शॉट खेला और ये गेम अप, चेहरे पर मुस्कुराहट और BFC जीत गया मेरे भाइयों, BFC जीत गया। BFC ये मैच जीत चुका है मेरे प्यारे मित्रों, BFC 3 गोल मार के इस मैच को जीत चुका है। बहुत ही ज़्यादा रोमांचक मैच रहा। टुड्डू भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए भाई धन्यवाद। टुड्डू भाई कैसे हैं आप, रुसिका ऑफिशियल, टुडू रुसिका ऑफिशियल, फुटबॉल पसंद आया हो, लाइव कमेंट्री पसंद आई हो, जोश के साथ देख रहे हो तो भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, दिल से खुशी मिलेगी। बिमला चौधरी जी हाय कैसी हैं आप, आपका काफ़ी देर से इंतज़ार चल रहा था। और देखिए बेंगलुरु FC जीत चुकी है आर्मी ग्रीन्स। आज बिमला जी मैं बता रहा हूँ, आप बैटिंग करने लग जाएँ, अगर फुटबॉल की बैटिंग करने लग जाएँ तो आप करोड़पति बन सकती हैं। आप आते ही बताती हैं और वही टीम जीत जाती है, क्या बात है। बोला था ना मैंने टुडू रुसिका, BFC जीत चुका है, BFC जीत चुका है। और यहाँ पे चल रहा है हमारा टेनिस का मैच मेरे प्यारे दोस्तों, अब चल रहा है टेनिस का मैच, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए और फाइनल स्कोर आपके सामने है 3-2 का। और इस गोल को करके हम लोग अपनी जगह बना चुके हैं। आपको बता दूं सेमीफाइनल्स में बेंगलुरु खेलेगा गोवा FC के साथ, तो काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन होने वाला है भाइयों, कहीं मत जाना। यहाँ पे देखिए 5 पॉइंट्स में से 4-1, मतलब अभी 4 पॉइंट्स ले लिए, 6 पॉइंट्स लेते ही ये सेट 1 कंप्लीट हो जाएगा। फुटबॉल की एक बार अपडेट बता दूं, आज 3 गोल मारे हमारे बेंगलुरु FC ने और 2 गोल मारे आर्मी ग्रीन ने और इसी पे गेम समाप्त हुआ। 96 मिनट तक ये गेम चला और फाइनली एंड हो चुका है फुटबॉल। फुटबॉल में बेंगलुरु FC एक सेकंड है,
मेरे भाइयों, आप तक तो मेरी आवाज़ नहीं पहुंची होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, यहाँ पे देखिए बेंगलुरु एफसी पहुंच चुका है सेमीफाइनल्स के अंदर। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है सेमीफाइनल्स के अंदर। और जितने भी हमारे फैंस हैं टेनिस के, उनको बता दूं मेरे भाई, ये मैंने म्यूट किया था, किसी का कॉल आ गया था, बहुत ही अर्जेंट था। और अब आपको बता दूं, मुझे गाली पड़ रही है बहुत भयंकर वाली घर वालों की तरफ से। तो इस वजह से एक बार मुझे खाना बनाना खाना कह रहा हूँ सॉरी चाय बना के आता हूँ 2 मिनट में। वेट करिए मेरे भाइयों, तब तक आप स्कोर कार्ड देखिए और स्कोर कार्ड के साथ दिल लगा के रखिए। हम लोग अभी जस्ट पहुंचने वाले हैं आपके साथ। तो देखिए आईपीएल की कमेंट्री भी चल रही है, आप थोड़ी देर वहाँ कमेंट्री सुन सकते हैं। और यहाँ पे टीम इंडिया को ज़रूरत है आपकी, तो देखते रहिए टेनिस का मैच।
मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ हो सभी के सभी? 150 रुपीज़? क्या 150 रुपीज़ की क्या बातें चल रही हैं? 150 रुपये की किसी ने सुपर चैट दे दिया क्या मेरे भाई मेरी पीठ पीछे से? नहीं, किसी ने 150 रुपये नहीं दिए। क्या बोल रहे हो भाई? कितना की बैटिंग? अच्छा, कितने की बैटिंग से शुरू करूँ? अच्छा, बैटिंग से शुरू। मैं खुश हो गया आदित्य नारायण जी कि किसी ने 150 रुपये सुपर चैट दे दी। कोई नहीं भाई, कोई नहीं। अमन भाई घर की बाकी काम भी करते हैं, बहुत अच्छा बात। कनक सरकार जी धन्यवाद, माफ़ी चाहूँगा मेरे भाई, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। घर वालों के भी काम करने चाहिए। अगर आपको अपने घर में शांति बनाए रखनी है तो आपको घर के भी थोड़े थोड़े काम करने पड़ेंगे मेरे भाइयों। मैं आशा करता हूँ कि आप भी घर में काम करते होंगे सभी के सभी। अपने घर वालों की मदद करना बहुत अच्छा काम है। तो 5-2 से यहाँ देखिए, मिर्ज़ा जी जैंगस। तो भाई आप 2 मिनट का, 2 या 3 मिनट का टाइमर लगा लो, जितने भी मुझे देख रहे हैं 2 या 3 मिनट का टाइमर लगा लो और मुझे प्लीज़ 2 या 3 मिनट बाद ज़रूर बताना, ज़रूर बता देना कि मुझे चाय देखने जाना है, क्योंकि चाय अगर गिर गई तो मुझे उसके लिए अलग गली पड़ेगी। तो मैं तो भाई कमेंट्री करते करते भूल ना जाऊँ, इस वजह से मुझे 3 मिनट के अंदर आप लोग बता देना, तब तक मेरी चाय भी भूल जाएगी। पूरा बताना कैसा है कि पूरे चैट बॉक्स को चाय 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 करके कर दो, ठीक है? चाय 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 कर देना, पूरा स्पैम कर देना, ठीक है? चाय करके, तो उससे मुझे पता चल जाएगा, ठीक है? एक पोल भी दे ही देता हूँ यार चाय से रिलेटेड। यहाँ सेमीफाइनल्स का मैच चल रहा है और हम चाय की बातें कर रहे हैं, पर माफ़ी चाहूँगा, चाय इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट मोर देन दिस मैच बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है। चाय कौन कौन पीता है? सपोर्ट चाय, चाय या कॉफ़ी, कौन है चाय या कॉफ़ी लवर, एक बार बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए, तब तक मैं मैच की कमेंट्री करके आपको बताता हूँ। मैच, टेनिस का मैच चलता हुआ, देखिए बहुत ही बेहतरीन मैच यहाँ चलता हुआ, बहुत ही बेहतरीन मैच चलता हुआ। आपको स्कोर बता दूँ, मैं आपको एक बार स्कोर तो बता दूँ, थोड़ा सब्र रखें। यहाँ पे कॉफ़ी पे ज़्यादा फैंस आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ 6-2 से हम लोग जीत चुके हैं पहला सेट, और दूसरा सेट के लिए खेला जा रहा है अगला मैच। जैसे ही मैच शुरू होगा मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको बता दूंगा मेरे भाइयों, तब तक बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ। आज हम लोग सब मिलकर, मैं बता रहा हूँ, बहुत आग लगा देंगे यार। आज का मैच बहुत ही रोमांचक चलता हुआ, बहुत ही रोमांचक चलता हुआ सेमीफाइनल्स का मैच है, कोई मजाक नहीं चल रहा है। बिमला चौधरी जी, आप अमन, मतलब सॉरी, पहाड़ी ब्रदर्स की लाइव स्ट्रीमिंग में मैसेज लिख रही हैं, जो कि अमन द्वारा की जा रही है। और मैं बता दूं, अमंगस हम लोग खेलते हैं, आपको ज़रूर बताएंगे। अमंगस गेम के बारे में हमें पता है, हम ज़रूर खिलाएंगे आपको। मैं दोनों नहीं पीती क्योंकि वो पीना सा इंसान काला होता है, माना सुना है। अरे नहीं नहीं काला कोई नहीं होता यार, काला कोई नहीं होता। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आएगी और आपके फेस पे रौनक आएगी। चाय से कभी ऐसा नहीं होता कि आंखें काली हो जाए, वो हो जाए, वो गंदी चीज़ों से होता है, जैसे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, ठीक है? इन चीज़ों से आपके ऐसा हो सकता है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में पिया जाए। मैं दोनों नहीं पीती क्योंकि वो पीने से इंसान काला होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैच देखिए सेमीफाइनल चल रहा है मेरे भाइयों। तो अब मैं दुरंत कप को फिनिश ही कर देता हूँ, एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, सेमीफाइनल चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सपोर्ट टीम इंडिया लिखा है यार, बस समझ जाना, क्योंकि चाइना का मैं लिखना नहीं चाहता ना, इसलिए टीम इंडिया को ही सपोर्ट करो, ठीक है? वैसे जैंगस जी की कोई गलती नहीं है, पर फिर भी आप टीम इंडिया के अंदर ही काउंट कीजिए उन्हें, ठीक है? सेट टू का गेम शुरू होने वाला है मेरे भाइयों, दिल थाम के बैठ जाइए, दिल थाम के बैठ जाइए। तो ये देखिए चाय, कनक सरकार जी चाय लिखते हुए, अरे मुझे जाना पड़ेगा। अरे धन्यवाद भाई, चाय याद दिला दी। सानिया मिर्ज़ा जी, फाइनल में जीत जाए तो गोल्ड मेडल मिलेगा क्या? बिल्कुल कनक सरकार जी, आप ही वो शख्स होंगे जिन्होंने बोला है कि भाई सानिया मिर्ज़ा जी का मैच दिखाओ, तो आपको क्रेडिट ज़्यादा जाएगा मेरे भाई। अगर टीम इंडिया का गोल्ड आता है तो कनक सरकार जी आपका भी नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। टेनिस के बहुत बड़े फैंस, अगर सानिया मिर्ज़ा जी मैच जीत जाती है तो मज़ा आ जाएगा। आज का मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरी आवाज़ अब तो पहुंच रही है, तो प्लीज़ मुझे लिख दीजिए क्लियर वॉइस, क्लियर वॉइस।
हमारे साथ जुड़े हैं इतने प्यारे प्यारे लोग जो टेनिस को सपोर्ट करते हैं। वीडियो को 60 लाइक कर दो फटाफट से।
तो गाइस देखकर खुशी हुई कि हमारे साथ अभी तक इतने प्यारे प्यारे लोग जुड़े हैं। सेमीफाइनल्स का मैच है, माफ़ी चाहूँगा, सेमीफाइनल्स का मैच बीच में छोड़ के मैं चाय पीने चला गया, चाय पीने नहीं सॉरी चाय बनाने गया था। चाय मैंने अपने सामने ही रख ली है, अब अपने लिए भी बनाई है और मम्मी पापा के लिए भी बना दी। तो आप लोगों के साथ फिर से जुड़ चुका हूँ, पहाड़ी ब्रदर्स टीम पहाड़ी ब्रदर्स आपके साथ फिर से जुड़ चुकी है। और बता दूँ आज हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं टेनिस सेमीफाइनल, सपोर्ट टीम इंडिया। टीम इंडिया में सानिया मिर्जा जी और एक चाइना की प्लेयर है जेंगेस, जो कि खेल रही है निनोमिया। देखो कितना अजीबोगरीब नाम है। गेम देखते हैं भाई, गेम देखते हैं, नामों को छोड़िए। हौजुमी ई, ठीक है, आपको अपने अपने प्लेयर्स के नाम याद रखने। सानिया मिर्जा जी खेल रही थी हमारा ओपन टूर्नामेंट ऑस्ट्रावा जेक रिपब्लिक, ठीक है। तो टीम इंडिया को सपोर्ट कीजिए, इस मैच के बाद आपको पता चल जाएगा। इस सेट के बाद देखिए बहुत ही प्यारा सेट चल रहा है। तो व्यूअर्स सारे भाग गए, कहाँ चले गए, सबने कहा था मेरे भाइयों, सबने कहा था मैं दोनों, आवाज़ क्यों नहीं आ रही। कनक सरकार जी, मैं ऑलरेडी बता के तो गया था कि यार मैं चाय करने जा रहा हूँ। सानिया मिर्ज़ा फाइनल में जीतते को गोल्ड मेडल लाएगा ना, हाँ, बिल्कुल, आवाज़ क्यों नहीं आ रही। कनक सरकार जी, आवाज़ इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा चाय में बिजी हो गया था, आपको ऑलरेडी बताया था मेरे दोस्त। ईस्ट और वेस्ट पहाड़ी ब्रदर इज द बेस्ट। दिलप्रीत सिंह, स्वागत है आपका हमारी प्यारी से लाइव स्ट्रीमिंग पे, जिसमें हम लोग सपोर्ट करें सानिया मिर्ज़ा जी को। बाहर से पता नहीं चल रहा होगा मेरे भाई, बाहर से पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि बाहर से ये मैच बेंगलुरु एफसी है, ये हमारे प्यारे प्यारे सपोर्टर्स के लिए ही है ऑन डिमांड, ठीक है। आपको हम लोग कभी निराश नहीं करेंगे मेरे भाई, जो मैच होगा वो ज़रूर दिखाएंगे। विमला चौधरी जी, अब भी मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? मेरी मैच में मेरी आवाज़ आ रही है, अब बताओ मुझे जल्दी से। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ क्लियर वॉइस लिखिए। भाई अमन भाई, आप ओलंपिक में जैसी कमेंट्री करते थे वैसे फिर से इस मैच में भी करिए ना। ज़रूर 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 करेंगे, ज़रूर करेंगे, चिंता मत करिए मेरे दोस्त, सब करेंगे, थोड़ा सब्र रखें। एक बार मुझे स्कोर तो दिख जाने दीजिए एक बार अच्छे से क्लियर। तो यहाँ पे देखिए स्कोर हो चुका है बराबरी में, 1-1 चल रहा है मेरे भाई। और यहाँ पे सानिया मिर्ज़ा की जो प्लेयर हैं हमारी टीम इंडिया की हैं, और दूसरी प्लेयर जेंगेस, दोनों ने ही टीम अप करके आज सेमीफाइनल्स का मैच है। आपको बता दूँ सेमीफाइनल्स कोई मजाक नहीं होता दोस्त, सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं तो इसके बाद खेला जाएगा गोल्ड लेवल का मैच, गोल्ड लेवल का मैच। आप लोग समझ सकते हो कितना बारीकी का काम है ये, मतलब एक पॉइंट चूका नहीं कि हम लोग बाहर भी हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, टीम इंडिया को सपोर्ट कीजिए, जिसमें हमारी प्यारी सानिया मिर्जा जी टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वर्सेस जापान की भी प्लेयर्स हैं हमारे, जो अपोजिट में है वो जापान की प्लेयर्स हैं। मैं आपको बता दूँ पहला सेट हम जीत चुके हैं शानदार तरीके से, सेकेंड सेट में बराबरी का स्कोर चल रहा था पर अब 2-1 से हम लोग लीड पे हैं, 2-1 से हम लोग लीड पे हैं मेरे भाइयों। और देखिए इस मैच को हम ज़रूर जीत के सेमीफाइनल्स को मतलब जीत के हम लोग पहुंच जाएंगे सीधा फाइनल्स के अंदर। तो कौन कौन है टेनिस लवर मुझे एक बार बता दीजिए, चाय के सपोर्टर्स ज़्यादा हैं, क्या बात है, ये देख के मुझे खुशी हुई, मेरे भाई बंधु मेरी तरह चाय पसंद करते हैं। वेट करो यार मेरे भाई, मैं चेंज करता हूँ, चेंज करके आता हूँ, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग जाना नहीं कहीं। लीजिए भाई मैं चेंज कर रहा हूँ, टाइटल चेंज कर रहा हूँ। बूढ़ा लैपटॉप मेरा ये ना बड़ा दिक्कत दे रहा है यार, लैपटॉप ना बहुत ही पुराना हो चुका है। चले विशाल भाई डांट खा गए, विशाल भाई डांट खा गए। आदित्य नारायण जी, विशाल भाई को किसने डांट दिया? सानिया मिर्जा जी की जय। भाई दुरंत कप का क्या हुआ? बैरिसन घोष जी, आपको बता दूं आज का मैच जीता है बेंगलुरु एफसी, मैच जीत चुके हैं बेंगलुरु एफसी और सीधा सेमीफाइनल्स में पहुंच चुके हैं। बेंगलुरु एफसी का मैच हम दिखा चुके हैं, 2 बजे था मेरे भाई, आप थोड़ा सा लेट हो गए बैरिसन घोष जी, थोड़ा सा लेट हो गए। सेमीफाइनल्स पहला सेमीफाइनल मोहम्मदिन वर्सेज कौन था मैं भूल गया यार, मोहम्मदिन वर्सेज बेंगलुरु यूनाइटेड है, सॉरी मैं भूल गया। और अब होगा गोवा एफसी वर्सेज बेंगलुरु एफसी, एफसी गोवा वर्सेज बेंगलुरु एफसी।
तो ये सेमीफाइनल्स के मैचेस हैं, इसके जो भी मेरे पास आएंगे फाइनल जो फिक्चर्स होते हैं वो जैसे ही आएंगे आपको बता दिया जाएगा। तो अब बात करें हम अपने टेनिस की, तो सेकंड सेट बहुत ही रोमांचक चलता हुआ, टीम इंडिया देखो कितने लीड पे चल रही है, 2-1 के स्कोर के साथ टीम इंडिया आगे बढ़ती जा रही है और इस मैच को जीत गए तो मेरे भाई सीधा फाइनल खेलेंगे, गोल्ड लेवल मैच। तो बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ। कनक सरकार जी बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए, मैंने उनका मैसेज टैग कर दिया है। रिजल्ट रहा भाई 3-2 का, चलो हाईलाइट सुन लीजिए बरीसन घोष जी सिर्फ आपके लिए, ठीक है सिर्फ आपके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। 3 गोल मारे हैं बेंगलुरु एफसी ने और 2 गोल मारे हैं आर्मी ग्रीन ने। आर्मी ग्रीन दोनों गोल पेनल्टी में मारे हैं, मतलब उनके स्ट्राइकर जा रहे थे और कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था कि गिर के उन्हें पेनल्टी मिल जा रही थी डी के अंदर, कोई भी फाउल होता है तो डी में पेनल्टी मिल जाती है, तो दोनों स्ट्राइकर 2 बार गिरे और दोनों बार पेनल्टी मिली। आखिरी के कुछ मिनटों में ऐसा लग रहा था कि आर्मी ग्रीन ड्रॉ कर देगी, बट कोई भी चांसेस नहीं लिए बेंगलुरु एफसी ने और बॉल को अपने पोजीशन में रखा और गेम को जीत लिया। तो बरीसन घोष जी सिर्फ आपके लिए मेरे भाई, सिर्फ आपके लिए मैंने एक और बार रिपीट कर दिया। तो आशा करता हूँ कि आप तक दुरंत कप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। बात करें तो अभी हम सपोर्ट कर रहे हैं टेनिस को, तो गाइज आप लोग भी टेनिस को सपोर्ट करने जल्दी से जल्दी आ जाइए, जितने भी टेनिस लवर है। देखिए मुझे बुरा इसी बात का लगता है, आप बोलते हैं कि भाई टेनिस दिखाओ और फिर बोल के गायब हो जाते हैं। भाई पहाड़ी ब्रदर्स तो आप लोगों के लिए बैठे हैं और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हमारे व्यूअर्स ही गायब हो चुके हैं। 6 व्यूअर्स मेरे भाई, ये तो गलत बात है। फिर आप कहते हो भाई जोश वैसा वाला लाओ, भाई इस 6 व्यूअर्स को देख के ना डिमोटिवेट और हो जाते हैं कि ऐसे हम इंडिया का नाम रोशन करेंगे टेनिस में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, ऐसे सपोर्ट करेंगे हम 6 लोगों के साथ, 7 लोगों के साथ, कोई नहीं भाई, पर 6-7 भी काफ़ी हैं। सिर्फ आप लोगों की चॉइस पे दिखा रहे हैं मेरे भाई, आप लोगों ने बोला है तो ज़रूर दिखाएंगे और मैच बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से, ठीक है। थैंक्स बरीसन भाई, कनक सरकार जी धन्यवाद, आप लोगों का प्यार रहा। तो पहाड़ी ब्रदर्स एक दिन सारे स्पोर्ट्स को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और रही बात काश ऐसा भी मौका आएगा एक दिन कि हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग आपको स्पोर्ट्स की दिखा पाए, कमेंट्री के साथ जो वहाँ चल रहा है वो भी आपको दृश्य दिखा पाए। एक दिन ज़रूर ऐसा मुकाम हम लोग हासिल करेंगे भाई, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो। इतना नाम हो जाएगा भाई कि जब भी फुटबॉल का मैचेस हो तो एक बार पहाड़ी ब्रदर्स को बुला लीजिए, वो लाइव कमेंट्री कर देंगे। जब भी कोई आईपीएल का मैच हो तो भाई को बुला लीजिए, वो कमेंट्री कर देंगे। बस इतना ही प्यार चाहिए आप लोगों से मेरे भाई। कोई बैडमिंटन का कप चल रहा है तो भाई पहाड़ी ब्रदर्स को बुला लीजिए, वो कमेंट्री कर देंगे। क्योंकि यार देखो छोटे मोटे मैचेस ना न्यूज़ चैनल दिखाता है, कोई जीत गया, कितने लोग गोल्ड मेडल ले आते हैं अंडर 20 में, अंडर 25 में, ये सारी चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं। वहाँ आजकल न्यूज़ में क्या हो गया, नेगेटिविटी ज़्यादा फैला रहे हैं, इसने उसको मार दिया। बताओ भाई, पर एक चीज़ को ही एक घंटे तक खींचते हैं भाई, एक घंटे तक उसने उसको गोली मार दी और यही चीज़ हर अलग अलग एंगल से मार दी। भाई चलो ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, अच्छी बात है, हम आगे के बंदे भी सतर्क रहेंगे, बट हो क्या रहा है यहाँ पे, एक ही चीज़ को 100 बार रिपीट किया जा रहा है, इंसान के दिमाग में असर हो रहा है मेरे भाई कि वो सोच ही ये रहा है कि हर तीसरा बंदा एक कातिल है। ऐसा दिखाओगे तो ऐसे ही होगा ना मेरे भाई, हमेशा ये दिखाओ। चलो देखो अपडेट देना ज़रूरी है, आप नेगेटिव बातें बता रहे हो, अच्छा है ताकि हम लोग सतर्क रहें। दिखाओ 10 मिनट दिखाओ, 15 मिनट दिखाओ, पर आप लोग उसको ऐसे ऐसे एंगल से दिखाते हो ना भाई कि क्या बोले। कल को किसी की डेथ हो जाती है तो उसको अलग अलग एंगल से, वो बेचारा भाई जाते जाते भी मतलब अपना क्या बोलूँ, वो चैन से नहीं जी पाता है, मरते मरते भी आजकल चैन से नहीं मरने दे रहे हैं लोगों को, अलग अलग कैमरा पोजेस दिखा रहे हैं उसके, हंसते हुए कभी रोते हुए। जीने दो भाई लोगों को, जीने दो, और जो जा रहे हैं उन्हें एटलीस्ट जाने तो दो प्यार से। और मैच की बात करें सेमीफाइनल्स के मैच की, भाई मैं बीच में थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता हूँ, माफ़ी चाहूँगा अगर बात बुरी लगी हो तो। अब आपको बता देता हूँ मैच का जो स्कोर चल रहा है, स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है आज। तो यहाँ देखिए 2-2 बराबर कर दिया है मेरे भाई, सेट 2 बराबरी का चल रहा है मेरे दोस्त, बराबरी का मैच, और इस मैच में कुछ खतरनाक हो सकता है मेरे दोस्तों, कुछ खतरनाक हो सकता है।
तो गाइज मैंने चाय पी ली और मैं बता दूँ बहुत ही प्यारी चाय बनाई थी आज मैंने अदरक और इलायची डाल के। कभी आप लोग मेरे हाथ की चाय पियेंगे तो आप लोग सचमुच में बेहोश हो जाएंगे, इसलिए नहीं कि वो चाय बेकार है, इसलिए क्योंकि इतनी टेस्टी है। तो कभी मेरे हाथ की चाय पीनी हो तो ज़रूर बताना मेरे भाई, आप लोगों के लिए चाय ज़रूर बनाएंगे। अक्सर चाय वाले कुछ बड़ा कर जाते हैं, आपको तो पता ही है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, अमृतेश कुमार राय। आईपीएल, आईपीएल चल रहा है मेरे भाई, आईपीएल चल रहा है। पहाड़ी ब्रदर्स की लाइव स्ट्रीमिंग, पहाड़ी ब्रदर्स चैनल पे जाओ, 2 लाइव स्ट्रीमिंग दिख रही होगी, वहाँ पे आईपीएल चल रहा है। अमृतेश भाई आपके दिल भी रखा है और बाकी व्यूअर्स का दिल भी रखा है, बस इसी वजह से, चाहे कोई व्यूज़ आए ना आए, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी पहाड़ी आर्मी सपोर्ट कर रही है, बस इतना सा ही सपोर्ट चाहिए। जय हिंद जय भारत लिख के सपोर्ट कीजिए टीम इंडिया को। मैं एक बार थंबनेल भी चेंज कर देता हूँ ताकि लोग यहाँ पे परेशान ना हों। थोड़ा सा सब्र करें भाई, आपके मैसेजेस के रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा, एक सेकेंड। यार मैंने मैच का ना थंबनेल कुछ ऐसे ही लगा दिया है, टेंशन मत लेना, पर इतना पता चल जाएगा कि टेनिस का मैच चल रहा है। अमन भाई आपके बगल में ही कि कहीं और से, एक सेकेंड वेट करो मैं पढ़ लूँ एक बार। बरिशन घोष वेलकम भाई, न्यूज़ चैनल का कंटेंट कुछ भी, हाँ आईपीएल, नहीं भाई आप तो सही बोल रहे हैं, धन्यवाद, नहीं भाई आप तो सही बोल रहे हैं। री डिस्प्ले दादा, क्लियर नहीं दिख रहा, तो भाई आपका नाम तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पर आपने दादा बोला है तो आपको मैं ज़रूर दिखाता हूँ, थोड़ा सा सब्र करें, चाहे मुझे एक्स्ट्रा टाइम लग जाए आज इसको दिखाने में, पर मैं आपको दिखा के रहूँगा इसको क्लियर। आपकी आँखों में कोई डिफेक्ट नहीं आना चाहिए मेरे भाई, आपको आंखों में जोर नहीं पड़ने देगा ये पहाड़ी ब्रदर, चिंता मत करो। लो आपके लिए मैं पूरी चीज़ें दोबारा से कर दूंगा और स्क्रीन पे ऐसा ला दूंगा ताकि आप इजीली स्कोर कार्ड को देख सकें, और अगर स्कोर कार्ड अच्छा दिखे तो प्लीज़ भाई एक बार बता दीजिए, और अगर चैनल को सपोर्ट कर देंगे तो मज़ा आ जाएगा, सपोर्ट इन द सेंस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्कोर कुछ ऐसा चल रहा है मेरे भाइयों, दिख रहा है आप, दिख रहा है मेरे भाई, आंखों में जोर तो नहीं पड़ रहा, भाई अगर दिख रहा हो तो मेरे प्यारे दोस्त, आपका नाम तो मुझे समझ नहीं आया पर आपको बता दूं, आपको एक चीज़ बता दूं मेरे भाई, आपने बोला है तो पहाड़ी ब्रदर्स ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपकी आंखों में डिफेक्ट आ जाए, क्या फ़ायदा होगा मेरे भाई, आप बोलेंगे पहाड़ी ब्रदर्स ने वीडियोस दिखा दिखा के अंधा कर दिया, तो हम ये पाप नहीं ले सकते मेरे प्यारे दोस्त, आपकी आंखों में हम ज़्यादा जोर नहीं पड़ने देंगे। आप कोई भी प्रॉब्लम आए, स्कोर कार्ड नहीं दिख रहा, छोटा दिख रहा है तो बता दें, जितना हमारी कोशिश मतलब जो हम कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। थोड़ा समय से अच्छा सा बना के आता हूँ, रुको
तो लीजिए यहाँ पे 2-3 का स्कोर, और ये आगे निकलते हुए जापान के प्लेयर, जापान की प्लेयर हमसे आगे निकलते हुए, भाई सपोर्ट दिखाइए, आग लगाइए पूरे टेनिस में, आग लगा दीजिए, मतलब टेनिस में आग नहीं, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आग लगा दीजिए। न्यूज़ चैनल इसलिए होता है, करंट अफेयर्स मतलब देश दुनिया की क्या चल रहा है ये सब नहीं बताते, नेगेटिविटी करते हैं। लाइक इन करोना सबसे पहले आया, सबको डरा दिया। बिल्कुल आदित्य नारायण जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है मेरे भाई, बंदों ने सच में सुसाइड करनी शुरू कर दी, इतनी नेगेटिविटी फैला दिया। मतलब 2-4 बंदों को हुआ क्या, हमने सुसाइड कर लिया, उन्होंने कहा भाई अब तो नहीं बच सकते, करोना जो ऐसी चीज़ हो गई है तो हम बच ही नहीं सकते। तो न्यूज़ चैनल के सर पे भी भाई बहुत सारे मर्डर केसेस लगने चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी नेगेटिविटी फैला दी। भाई चिताएं कौन दिखाता है, चिताएं कौन दिखाता है? पर देखो दिखाओ दिखाओ कोई बात नहीं, क्योंकि दिखाने से क्या होता है, लोग थोड़ा सा हल्के से डरेंगे। पर इन लोगों ने क्या किया, एक हफ्ता पूरा चिताएं दिखाई भाई, तो इस वजह से वो चीज़ गलत हो जाती है मेरे भाई। बंदे की मेंटालिटी भी तो सोचो ना, हर बंदा उतना स्ट्रांग नहीं होता, हर बंदा उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना उन्हें समझा जाता है। कभी ना कभी डीप डाउन उन्हें भी लगता है भाई। एक बार ऐसा ही हुआ था, मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी, उनको कोरोना हो गया था, मुझे नहीं पता था उन्हें हो गया है। तो मैं हमेशा ही पॉजिटिव कमेंट्स वगैरह डालता रहता हूँ, कभी मैंने नेगेटिव अपने इंस्टाग्राम पे भी नहीं डाला होगा कभी नेगेटिव पोस्ट। उस दिन मैंने ऐसे ही डाल दिया कि कोविड की वजह से इतनी डेथ्स हो गई, इतना वो हो गया। तो उनका मैसेज आया मेरे पास, वो कहती कि भाई ऐसा क्या हो गया, आप मतलब ऐसे नेगेटिव कमेंट्स क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मैंने नेगेटिव कमेंट कहाँ किया, मैंने तो बस ये दिखाया है कि एक्चुअली सॉरी, वो गाना था एक रील टाइप की थी जिसमें दिखा रहे थे कि कितने लोग खो चुके हैं हम लोग, और वहाँ पे चिताविता दिखा रही थी और कोरोना से ये बेहाल हो रखा है पूरा इंडिया। तो एक 15 सेकंड की क्लिप लगाई थी मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे। तो लोगों ने बोला कि एक का ही मैसेज आया मुझे कि भाई अमन आप तो हमेशा अच्छी अच्छी स्टोरी लगाते हो, और अचानक से क्या हो गया, आपने इतना गंदी मतलब गंदी क्या मतलब इतना नेगेटिव क्यों दिखा रहे हो कि करोना वाले एकदम से मतलब जो संभल नहीं पा रहे हैं वो सीधा चले जाते हैं। तो मैंने उनसे बोला यार मैं अभी हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सही कह रहे हो आप, मेरे को भी रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये। फिर बाद में पता चला कि उन्हें कोविड पॉजिटिव था, तो मैंने उनको फिर मोटिवेट किया, आपको जैसा पता है कि मैं काफ़ी अच्छा मोटिवेट करता हूँ तो मैंने उन्हें मोटिवेट किया, और मैंने कहा कि यार देखो आप एक करोना वॉरियर हैं, आप ज़रूर जीतेंगे इस जंग को, आप अपने के अंदर भरोसा रखें, पॉजिटिविटी रखें, सबके अंदर बरकरार रखें, और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा। वो कहती थी कि आप वर्कआउट वीडियोज़ डालते थे अच्छा लगता था, अभी आपने ये क्या डाल दिया। मैंने कहा कोई नहीं, अब आपको वर्कआउट वीडियोस ही दिखेंगी। तो ठीक है, तो आप लोग भी अपने आसपास के लोगों से बातचीत करते रहें, कोई करोना पॉजिटिव हो गए हैं तो उन्हें फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे हमेशा हौसला अफजाई करते रहें, मिलके भी कर सकते हैं अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। तो यहाँ पे कह रहे हैं ब्रोकॉफी ब्रदर, कैन यू प्लीज़ स्पेल इट योर नेम इन इंग्लिश, आई डोंट सी योर नेम बिकॉज इट्स इन आई गेस, मुझे नहीं पता ये कौन सी भाषा है, आई गेस केरला है या बंगाली है। तो ब्रदर प्लीज़ कुड यू प्लीज़ टेल योर नेम। संजय जैन जी वेलकम बैक टू अवर चैनल पहाड़ी ब्रदर्स, कैसे हैं मेरे भाई, धन्यवाद। वी गेट 2 सिल्वर मेडल वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप लास्ट नाइट, क्या बात है संजय जैन जी, धन्यवाद फॉर शेयरिंग अ वेरी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन। सॉरी भाई हम लोग नहीं दिखा पाए, पर हम लोगों ने एक अपडेटेड वीडियो डाल दी है, सब जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे चाय के फैंस ज़्यादा थे। संजय जैन जी का मैसेज मैंने टैग कर दिया है, सही बोला पहाड़ी भाई, ब्रो कॉफ़ी ब्रो कॉफ़ी के आगे अपने नाम भी लिख दीजिए, प्लीज़ टेल मी योर नेम ब्रो कॉफ़ी, बताइए यार बताइए। यहाँ मैच देखिए कितना रोमांचक हो चुका है, सेकंड सेट जीत चुके हैं, आपकी जीतने वाली है, मतलब 4 पॉइंट्स की लीड है। इन टीम इंडिया को सपोर्ट चाहिए मेरे भाई, टीम इंडिया को सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। क्या हो गया भाई, टीम इंडिया को सपोर्ट कीजिए यार। और देखिए सिर्फ 6 लोग बैठे हैं हमारे साथ, सिर्फ 6 लोग, आपको बता दूँ 7 हो गए, और ये 7-8 लोग मेरे भाइयों लाइक कर दीजिए। तो 4 लाइक चाहिए हमें, 8 लोगों में से जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू नो हिंदी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इफ़ यू नो इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश कह रहा हूँ, जैसे होता है हिंदी प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू इंग्लिश, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो प्लीज़ ब्रदर प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल पहाड़ी ब्रदर्स। कन्नड़ा लैंग्वेज नेम साउथ इंडियन, ओके साउथ इंडियन, कन्नड़ा लैंग्वेज का नाम है, कनक सरकार कह रहे हैं साउथ इंडियन। आई एम यशवंत पाटिल बीजापुर कर्नाटक, अरे ब्रदर वेलकम बैक टू चैनल पहाड़ी ब्रदर्स,
यशवंत पाटिल जी, कैसे हैं आप? आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पहाड़ी ब्रदर्स पे। आप कर्नाटक से हैं? कर्नाटक से हैं भाई, कैसा है वहाँ का वेदर? थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए मेरे भाई, डिस्क्राइब कीजिए वहाँ पे क्या चल रहा है। और यहाँ देखिए टीम इंडिया, टीम इंडिया यहाँ पे थोड़ा सा डामाडोल होते हुए मेरे भाई, थोड़ा सा यहाँ पे फर्स्ट सेट तो हम बहुत प्यार से जीत गए, यहाँ पे सेकंड सेट में थोड़ी सी दिक्कतें मुझे दिख रही हैं। क्या आज टीम इंडिया जीत पाएगी? सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट रखेंगे तभी हम जीत पाएंगे। तो यहाँ देखिए 4-2 का स्कोर है, क्या इंडिया कमबैक करेगा? वैसे इंडिया को कमबैक किंग माना जाता है, तो हमारी कमबैक क्वींस तो अभी हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। आप लोग से उम्मीद करता हूँ, आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाय पीते हैं पहाड़ी भाई, हम भी पहाड़ी है, हम भी चाय पीते हैं मेरे भाई। कॉफ़ी तो पसंद है पर कोल्ड कॉफ़ी कभी कभी, बट भाई दिल से जो रिश्ता है हमारा चाय के साथ ही है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का दिल का रिश्ता भी चाय से ही होगा, क्योंकि चाय में जो नशा है ना भाई वो कहीं और नहीं मिलता, सुकून है चाय में। चाय इज इक्वल टू जन्नत, ठीक है, ये स्पैम कर दीजिए, चाय इज इक्वल टू जन्नत, ताकि कॉफ़ी वाले थोड़ा सा परेशान हो जाए, ये क्या लिख रहे हैं, चाय जन्नत है, चाय जन्नत है, चाय इज इक्वल टू जन्नत, ये लिख दीजिए। टीम इंडिया कमबैक करेगा, और इस पोल का जवाब दीजिए। इसमें देखिए स्कोर चल रहा है 4-2 का, क्या टीम इंडिया कमबैक करेगा? हाय ब्रदर, हाउ आर यू? यशल पाटिल बीजापुर, हाय ब्रदर, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हेयर, और मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे रहें। विजू भाई, मैं भी कर्नाटक से हूँ। विजू भाई कैसे हैं आप? आपका भी स्वागत है पहाड़ी ब्रदर्स की लाइव स्ट्रीमिंग पे। हम चाय पीते हैं भाई, चाय पीते हैं, क्या बात है मेरे दोस्त। पीयूष नेगी भाई, आप चाय पीते हैं, हम भी चाय पीते हैं, और चाय में जो नशा है मैं आपको बता दूँ वो किसी और चीज़ में नहीं, एक बार वो इंसान पानी भी छोड़ दे पर चाय नहीं छोड़ सकता। विजू इस यहाँ तो मौसम रेनी है, क्या बात है, मौसम रेनी है तो फुटबॉल के मज़े ले सकते हैं इस मौसम में मेरे भाई। ज़्यादा पानी तो नहीं है, कहीं बंदा ही डूब जाए। अगर ज़्यादा पानी है तो स्विमिंग के मज़े ले, और अगर कम पानी है तो फुटबॉल खेले, बारिश में फुटबॉल खेलने का मज़ा ही कुछ और है। हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं मैं देख लूँ एक बार, 8 लोग जुड़े हैं, प्यारे प्यारे 8 लोग जुड़े हैं हमारे साथ। मैच की बात करूँ तो टेनिस का मैच चल रहा है, टीम इंडिया को सपोर्ट कीजिए, यहाँ पे हमें थोड़ा सा चाहिए। चाय अच्छा होता है, कॉफ़ी से के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल मेरे भाई। वैसे मैं बता दूँ, हर चीज़ जो आप ज़्यादा लेते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट होता है मेरे भाई। पानी ज़्यादा पिए, अगर आप पानी ज़्यादा पियोगे, 10-15 लीटर दिन में पियोगे, किडनियाँ ख़राब हो जाएंगी, तो पानी के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कॉफ़ी के भी हैं। अगर आप ज़्यादा पियोगे तो कैफीन इंटेक ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बाल भी झड़ सकते हैं, और आपकी रातों की नींद ख़राब हो जाएगी। रातों की नींद ख़राब हुई तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि आपकी स्लीप साइकिल ख़राब हुई है। तो हर चीज़ को एक्सेस में करोगे तो आपकी हालत टाइट होने वाली है। कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं कि भाई आज मैं जाऊँगा, आज ही मैं जीत जाऊँगा, आज ही मैं एक एथलेटिक प्लेयर बन जाऊँगा, आज ही मैं 10 किलोमीटर भाग जाऊँ, और आज ही मेरे पैर देखना मैं फुल स्पीड से भाग जाऊँगा तो मैं आज ही स्प्रिंटर बन जाऊँगा। मैं बता दूँ, हर चीज़ का एक समय होता है, हर एक चीज़ का टाइम होता है। प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी मांगता है स्पोर्ट्स भी। रोज़ करो पर कम नहीं होना चाहिए, 1 घंटा करो पर रोज़ करो, ये नहीं कि 10 घंटे एक ही दिन में कर दिए और फिर उसके बाद छोड़ दिया वो स्पोर्ट, ठीक है, हमेशा याद रखो। धीरे धीरे करके इंसान बढ़ता है, एक दिन में नहीं। यशवंत पाटिल प्लीज़ यू स्पीक हिंदी, इंडिया जीतेगा भाई, जीतेगा यशवंत, क्या बात है, इंडिया जीतेगा, सपोर्ट कर रहे हैं हमारे प्यारे यशवंत भाई हमारे साथ। विजू जी भाई, मैं आपको अलग अलग डिवाइस से सब्सक्राइब किया हूँ, लव यू विजू भाई, आपका ये सपोर्ट हम कभी नहीं भूलेंगे, पहाड़ी ब्रदर्स की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार। विजू भाई यू आर ग्रेट। आदित्य नारायण जी हमारे साथ, आदित्य नारायण अस्थाना हमारे साथ। पहाड़ी भाई आज ज्योति का हम गोल्ड लेते हुए देख सकते हैं, क्योंकि आज जल्दी मैच होगा, ज़रूर मेरे भाई ज़रूर, ज्योति जी का मैच हम ज़रूर दिखाएंगे, आर्चरी का कोई मैच नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई, ज़रूर दिखाएंगे आपको। ज्योति जी ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आग लगा चुकी है आर्चरी की दुनिया में, तो हम लोग उनका मैच दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे, मैच की टाइमिंग कंफर्म करके हम आपके सामने ले आएंगे मेरे भाई लाइव स्ट्रीमिंग, तो बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ, आज हम लोग आर्चरी भी दिखाएंगे। 8:32 मेरे भाई, 8 बजे आके बैठ जाएंगे, चिंता मत करो, 8 बजे आके बैठ जाएंगे, कोशिश पूरी रहेगी क्वार्टर फाइनल्स का मैच कोई भी ना छोड़े, और फाइनल का मैच तो बिल्कुल ना छोड़े। कल रात को माफ़ी चाहेंगे मेरे भाई, माफ़ी चाहेंगे,
पर आपके लिए सुबह हम एक अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके थे और आज रात को जो मैच होगा आर्चरी का वो दिखाएंगे ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आसमान गिर जाए या धरती फट जाए या वाईफाई चला जाए, फ़ोन के वाईफाई से दिखाएंगे, फ़ोन चोरी हो जाए नया फ़ोन ले आएंगे, कुछ भी करके आपको ये मैच ज़रूर दिखाएंगे मेरे भाई। पहाड़ी भाई आज ज्योति का आर्चरी मैच है 8:32 पे, क्वार्टर फाइनल प्लीज़ दिखाना ज़रूर पीयूष नेगी भाई। मेरे भाई आपको नाराज़ करके हम कहाँ जाएंगे पीयूष भाई। पीयूष नेगी जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहिए। तो गाइज एक सेकंड वेट करिए, एक सेकंड, यहाँ 4-3 का स्कोर है, 4-3 का स्कोर। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा वेट करिए एक सेकेंड। जय हिंद जय भारत लिख के सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, टीम इंडिया जीतने वाली है, आप लोग बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ। तो गाइस मेरी आवाज़ आ रही है मेरे भाइयों, थोड़ा सब्र रखें, मैच डिसीजन आने ही वाला है थोड़ी ही देर में। 4-3 इंडिया कमबैक कर रहा है मेरे दोस्तों, इंडिया कमबैक कर रहा है, आप लोग स्कोर देख सकते हैं, इंडिया कमबैक कर रहा है यहाँ देखिए। पर यहाँ पे जापान के प्लेयर्स भी आगे बढ़ते हुए 5-3 का स्कोर यार, थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है, देखते हैं क्या होता है। आज का मैच सचमुच में बहुत ही इम्पोर्टेंट खेला जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। 5-3 अगर जापान की प्लेयर ने एक पॉइंट ले लिया तो हमारे सपने थोड़े से और मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि बराबरी का स्कोर रहेगा, उसके बाद तीसरा सेट खेला जाएगा। आपको बता दूं थर्ड जो ये सेट है इसमें 3 पॉइंट हमारे पास हैं और 5 पॉइंट उनके पास है। लेट्स सी क्या होता है मेरे भाइयों, क्या होता है, बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ, जानिए टेनिस को सपोर्ट कीजिए। भाई आपको 29K के लिए कितना सब्सक्राइबर चाहिए? आदित्य नारायण जी आपको बताता हूँ, इंडिया जीतेगा, क्या बात है, सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सपोर्ट करो मेरे भाई, मैं देख के बताता हूँ, एक सेकंड। हेलो तो गाइस हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि कितने सब्सक्राइबर चाहिए हमें 29K में, तो गाइस हमें चाहिए कितने चाहिए, 9 और 10, टोटल 19 सब्सक्राइबर चाहिए 29K करने के लिए। तो बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स की लाइव स्ट्रीमिंग पे, आज हम लोग मिलकर आग लगा देंगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो हमारे साथ 7 लोग जुड़े हैं, विजू भाई हमारे साथ, कनक सरकार हमारे साथ, आदित्य जी 29K के लिए 100 सब्सक्राइबर चाहिए, नहीं 29K तो होने वाले हैं मेरे भाई, 29K होने वाले हैं हमारे पास। अरे कनक सरकार जी आप बड़े लेट अपडेट रहते हो मेरे भाई, सिर्फ, अरे कम हो गया हमारा, सिर्फ 20 सब्सक्राइबर चाहिए और हमारे 29K हो जाएंगे, 29K हो जाएंगे कनक सरकार जी। इसका फाइनल कब होगा? इसका फाइनल जब होगा आपको ज़रूर बताया जाएगा मेरे भाई, टेंशन मत लें, बस इतना समझ लीजिए इस मैच के बाद नहीं होगा, फाइनल मैच के लिए थोड़ा टाइम देंगे, ऐसा नहीं कि इसी के बाद तुरंत शुरू कर देंगे फाइनल, ठीक है, क्योंकि इस गेम में भाई स्टेमिना ज़्यादा लगता है, आर्चरी में फोकस ज़्यादा लगता है, इस वजह से उनके बैक टू बैक मैचेस करवा देते हैं। पर आपने देखा होगा कि फाइनल और सेमीफाइनल को थोड़ा सा अलग ही रखा जाता है, थोड़ा प्रिपरेशन और माइंड को काम करने के लिए। तो पीयूष भाई कह रहे भाई 19 लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, जय हिंद जय भारत, क्या बात है यार, हमारे साथ इतने प्यारे प्यारे लोग जुड़े हुए हैं, लव यू मेरे सारे मित्रों। और आपको बता दूं यहाँ स्कोर टीम इंडिया कमबैक कर रही है,
गाइस आप लोगों का सपोर्ट देख के देखिए, यहाँ पे 5-4 हो चुका है स्कोर, 5-4 हो चुका है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, 5-4 हो चुका है। जय हिंद जय भारत लिख के सपोर्ट कीजिए टीम इंडिया को, टीम इंडिया को सपोर्ट कीजिए। तो गाइस यहाँ पे 5-4 का स्कोर है, क्या आज हम ये सेट जीत पाएंगे जानने के लिए देखते रहिए पहाड़ी ब्रदर्स की इस लाइव स्ट्रीम को। मेरे भाई बहुत इम्पोर्टेंट मैच है ये, अगर आपको मेरी मेरे को कुछ आवाज़ से दिक्कत लग रही है यार, आपके पास मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो भाई आवाज़ आ रही है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं आवाज़ आ रही है। भाई लोगों आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ मैसेज करें, मुझे कुछ आवाज़ में दिक्कत लग रही है यार। ठीक है क्या आवाज़ कट कट के तो नहीं आ रही? हाँ जीतेंगे ना भाई, क्या बात है। विक्रम परमार जी कैसे हैं आप, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीमिंग पे। फटाफट से 2 लाइक करके स्टार्ट कर दीजिए मेरे भाई, स्टार्ट कर दीजिए। टेनिस को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, सेमीफाइनल्स का मैच चल रहा है। आवाज़ क्लियर आ रही हो तो प्लीज़ बताएं।